सहगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। कुछ बोलने का अवसर मिला है, जो कुछ भी मैंने अपने गुरुपाद पद्म से वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है वही मैं आप सभी को थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगी। जिस प्रकार गीता में भगवान ने बोला है कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवेतरोजना स यत् प्रमाणम कुरते लोक तत् अनुवर्तते, बोला उसी समय वो जो विष्णु पांडे जी थे अपनी चेयर से उतर गए और परम गुरुदेव के चरणों में लिपट गए, कहने लगे कि अरे महाराज जी आप तो हमारी वंचना कर रहे हैं। क्यों? बोला क्योंकि यही जो पंडा लोग हैं इनके जो गुरु होते थे मनोहर शास्त्री जैसे, वो जब परम गुरुदेव एक जैसे छोटा सा कोई भी शब्द केवल्यम नरकाय, जो लोग कहते हैं कि मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, बोला है कि ये मुक्ति तो नरक से भी बदतर है। इस छोटी सी चीज पर परम गुरुदेव बड़ी बड़ी विद्वत सभाओं का आयोजन कर देते थे। अब कोई कितना बोले एक छोटे सी चीज पर, इन्हीं के पांडे लोगों के जो गुरु होते थे वो उन्हें भेजा करते थे कि जाओ महाराज जी के पास जाओ, हमारे पास संध्या को कुछ बोलने को नहीं है, रिकॉर्डर लेके जाओ रिकॉर्ड करवा के लाओ कि संध्या के समय क्या बोलना है। यही पांडे लोग गुरुपाद पद्म के पास परम गुरुदेव के पास आया करते थे और बोलते थे कि महाराज जी आप रिकॉर्ड कर दो कि मेरे गुरुदेव को क्या बोलना है संध्या में। इस प्रकार गुरुदेव रिकॉर्ड किया करते थे, इसीलिए वो जो पांडे जी थे वो परम गुरुदेव के चरणों में लिपट गए। इस प्रकार का सुदृढ़ गंभीर वजन परम गुरुदेव का था। मेरे गुरुपाद पद में बताते हैं कि महाभागवत संतों के भजन का क्या प्रभाव होता है। एक मतंग मुनि थे, मतंग मुनि जब अपने आश्रम में भजन किया करते थे तो विपरीत स्वभाव के जो जीव हैं बड़ी प्रीतिपूर्वक रहा करते थे क्योंकि उनके भजन का प्रभाव था। जैसे नेवला और सांप दोनों आलिंगन बद्ध रहते थे, एक जो गाय है वो सिंह के झंडा पर सर रख के सोती, क्यों? क्योंकि मतंग मुनि के भजन का ऐसा प्रभाव था। मेरे परम गुरु पाद पद्म का ऐसा भजन का प्रभाव था कि जब उनका प्रकट काल था भिन्न भिन्न स्वभाव के जो भक्त लोग हैं देशी विदेशी सभी बड़े प्रीति पूर्वक मिलकर सेवा किया करते थे। ऐसे मेरे परम गुरुदेव की कीर्ति है। बोला है जिस प्रकार अभी गुरुदेव ने बताया, अगर संप्रदाय के लोग परम गुरुदेव के आश्रित जन उनके वैशिष्ट्य का गान करें वो तो ठीक है, परंतु ब्रजवासी जैसे लोग जो अपने से ऊंचा किसी को मानते नहीं उन्होंने भी परम गुरुदेव को युगाचार्य की उपाधि दी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं उनसे संपूर्ण जगत के लोग उनसे वेदांत सीखने आते थे। अब जब महाप्रभु को उन्होंने 7 दिन तक वेदांत सुनाया तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला कि अरे आप ना हूँ कहते ना हाँ कहते, समझ आता है तो कुछ बोलो, तो महाप्रभु कुछ बोलते ही नहीं। महाप्रभु ने बोला कि जो आप सूत्र बताते हो वो तो समझ आता है परंतु जो उसका अर्थ है वो बड़ा विकट है, अर्थात वो बड़ा मायावाद से रिलेटेड है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला कि ये नया सन्यासी मुझे चैलेंज कर रहा है, तुम अर्थ बताओ। जब महाप्रभु ने बोलना प्रारंभ किया सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके चरणों में गिर गए। उसी प्रकार मेरे परम गुरुदेव जब थे, जब रूप गोस्वामी पाद की तिथि होती थी 3 दिन तक आयोजन होता था उनका वैशिष्ट का। अब रूप गोस्वामी जी की महिमा पर बोलना है, कई गणमान्य लोग आया करते थे, रूप गोस्वामी पाद की महिमा बताते थे। अंत में जब परम गुरुदेव बोलते कि मेरे पास जो उच्चिष्ट है इन सभी भक्तों का वही बोलूंगा, और जब वो बोलते तो ऐसा बोलते कि सब बोलते कि महाराज जी हमने ऐसा कभी नहीं सुना, ऐसी महिमा रूप गोस्वामी पाद की कभी नहीं सुनी, इस प्रकार का वैशिष्ट है। यह आकर्षण जो जगत को उन्होंने कर लिया था अपने प्रति वो कैसे हो सकता है? साक्षात जिनके हृदय में गदाधर जी, जिनके हृदय में साक्षात कृष्ण सब पार्षद नित्य निरंतर वास करते हैं, उनके हृदय में उन्होंने शास्त्रों में बोला है कि उन्होंने अपनी प्रेम की रज्जु से प्रीति की रज्जु से रस्सी से सबको कृष्ण को अपने हृदय में खींच लिया है, पूरे जगत में अब कोई बचा होगा उनको आकर्षित करने के लिए, इतना वैशिष्ट है परम गुरुदेव का। यहाँ पर मैंने वरिष्ठ वैष्णवों के मुखारविंद से सुना है परम गुरुदेव ने हर किसी फील्ड में हमको आचरण करके दिखाया, किस प्रकार का पुत्र होना चाहिए, किस प्रकार के शिष्य होने चाहिए, कैसे गुरु भाई होने चाहिए, कैसे गुरु होने चाहिए, सब कुछ हमको करके दिखाया। किस प्रकार के पुत्र थे परम गुरुदेव? जब तक घर में थे तब तक पूर्ण दायित्व निभाया, 24 साल की आयु में वो मठ आ गए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के आश्रित। तब कुछ समय बाद महाराज जी ने श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरुदेव को मथुरा मठ का दायित्व दे दिया। जिस प्रकार शची माता महाप्रभु से दर्शन करने जाती थी उनके, उस प्रकार परम गुरुदेव के माता पिता मथुरा मठ आया करते। अब एक बार उनके माता पिता मथुरा मठ आए,
तब क्या हुआ, परम गुरुदेव ने देखा माता पिता हैं, खूब सम्मान आदि दिया, उन्हें स्थान दिया, प्रसाद की व्यवस्था करी। अब जिस प्रकार मठ में क्या होता है, सब लोग पंक्ति से बैठते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं एक साथ। अब जब भी बैठने की बारी आई, परम गुरुदेव के पिताजी बैठ ही नहीं रहे। परम गुरुदेव को समझ आ गया कि संकोच कर रहे हैं। उस समय जाति पाति का जो बहुत ज़्यादा उल्लेख था और बड़े संभ्रांत कुल से थे पिताजी भी, तो अब वो बैठ ही नहीं रहे। परम गुरुदेव को ये समझ आ गया। परम गुरुदेव ने उनके लिए सीधा कच्चा सीधा मंगवाया, अर्थात जो कच्चा दाल चावल इत्यादि, पृथक रूप से रसोई बनवाई और फिर भोग लगा के ठाकुर जी को उन्हें पवा दिया। चलो ठीक है, हो गया, सम्मान मिल गया उनके पिताजी को। अब परम गुरुदेव ने जब बाद में हरी कथा जब हुई संध्या के समय, देव वर्णाश्रम धर्म के बारे में उन्होंने, परम गुरुदेव ने विचार बताया कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बन जाता जब तक उसके गुण नहीं है उस प्रकार के। बोला है परम गुरुदेव ने विचार बताया, जैसे रावण है, ब्राह्मण का पुत्र था परंतु राक्षस था, राक्षसों के गुण थे। उधर की तरफ विदुर जी, नारद जी राशि पुत्र थे परंतु गुण कैसे थे, भगवत भक्तों के जैसे, और पूरे जगत में उनकी बड़े पूजनीय गुण। इसी प्रकार ये विचार जो है ये उनके पिताजी ने भी सुना। अब जब रात्रि के समय प्रसाद की व्यवस्था हुई, सब पंक्ति में बैठे, उनके पिताजी भी आके बीच में बैठ गए। परम गुरुदेव ने आए, परम गुरुदेव ने बोला कि अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, उठिए उठिए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। उन्होंने बोला नहीं नहीं उन्हें लगा कि मेरे को सम्मान देना चाहते हैं। बोले कि नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर प्रसाद पा लूंगा सबके साथ। परम गुरुदेव ने बोला नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, उठिए। बोला क्यों नहीं बैठ सकते? परम गुरुदेव ने बोला आप धूम्रपान करते हैं। बोला कि ये जितने भी मठ में सन्यासी ब्रह्मचारी गण हैं, बड़े आदर्श चरित्र हैं, आप तो धूम्रपान करते हैं, ये सब छूते भी नहीं है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। इस प्रकार परम गुरुदेव ने अपने पिताजी को कहा। यद्यपि उनके पिताजी बचपन से ही श्री संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव थे, परंतु उन्हें बैठने नहीं दिया। लज्जा पूर्वक वहां से उठे परम गुरुदेव के पिताजी और पृथक रूप से उन्होंने प्रसाद पाया। उसी रात परम गुरुदेव के पास आके उनके पिताजी बोले भैया हमें हरिनाम दे दो। उस समय परम गुरुदेव ने बोला कि अरे लौकिक दृष्टि से तो देखा जाए आपने मेरा पालन पोषण किया है, मैं आपको हरिनाम नहीं दे सकता। उस समय पीछे पड़ गए। आगे जब प्रातःकाल कथाएं हुई, परम गुरुदेव के पास फिर आए, बोले कि हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक आप हमें हरिनाम नहीं दोगे, हरिनाम चाहिए। तब परम गुरुदेव ने उन्हें माला दी, बोला कि आप इस पर हरे कृष्ण महामंत्र करना, और वचन दिया कि जब आपका अंत समय होगा तब मैं मिलने आऊंगा। जब उनके पिताजी का अंत समय आया परम गुरुदेव के पास, परम गुरुदेव गए उनके पास। साक्षात परम गुरुदेव के वचन है, उन्होंने अपने पिताजी के कान में जाके बोला कि पिताजी अब आपको इस धरती पर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का उनके सेवा थी। परम गुरुदेव अपने भाइयों से कहा करते थे कि जिस प्रकार की मैंने अपने पिताजी की सेवा करी है, किसी ने ऐसी सेवा नहीं करी, तुम में से कोई ऐसी सेवा कर नहीं सकता। इस प्रकार के पुत्र थे, शिष्य किस प्रकार के थे। परम गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं मठ आया तब मुझे रसोई बनानी नहीं आती थी। बोले कि वामन महाराज जी तो रसोई बनाने में बड़े प्रखर हैं, झटपट से रसोई बना देते हैं और हमको आती ही नहीं है। आएगी भी कैसे, क्योंकि घर में 10-15 नौकर वहीं पर रसोई में रहते थे, मैं कभी घुसा ही नहीं। परंतु उस समय जब परम गुरुदेव मठ में आए थे, किसी ने उन्हें सेवा करने के लिए नहीं बोला, किसी ने उन्हें बताया नहीं, स्वयं जाकर बर्तन मांझने लगे। और इस प्रकार की सेवा वृत्ति देखकर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने उन्हें अपनी निधि सेवा में लिप्त कर लिया। परम गुरुदेव स्वयं अपने मुखारविंद से बतलाते थे कि जब मैं अपने गुरुदेव की सेवा किया करता था, मैं इतना आत्मविभोर हो गया था, मैं भूल गया कि मैं पुलिस ऑफिसर था, कितने धनी मानी परिवार से आया था, मैं अपने गुरुदेव की सेवा किया करता था उस समय। इस प्रकार के परम गुरुदेव शिष्य थे। गुरु भाई कैसे थे, इतना प्रेम था उनमें और श्री भक्तिकांत वामन गोसाई महाराज जी में। नए नए भक्त लोग आते, परम गुरुदेव सब कुछ उन्हें सिखाते, खाना पीना तिलक लगाना धोती पहनना सब कुछ सिखाते, और फिर अंत में वामन महाराज जी के चरणों में उन्हें समर्पित कर दिया करते थे। यहाँ पर एक कथा है, छोटी सी एक मालती दीदी थी जो बड़ी वरिष्ठ वैष्णवी है, वो एक बार परम गुरुदेव के साथ परिक्रमा में गई। उस समय उन्हें अपना हृदय दे दिया, बोला कि गुरु बनाऊंगी तो इन्हें ही बनाऊंगी। परम गुरुदेव ने बोला कि इस समिति में तो अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति दीक्षा देते हैं, श्री भक्तिवेदांत वामन महाराज जी, तो उनसे जाके दीक्षा लो। बोला नहीं, मुझे आप ही से दीक्षा चाहिए।
उस समय अब बाद में परम गुरुदेव ने उन दीदी को बुलाया, बोला कि उत्तम गुरु शिष्य को उत्तम वस्तु ही देते हैं, लिख के दे दिया उन्हें कि मैं उत्तम वस्तु तुम्हें प्रदान करता हूँ, जाओ जाके वामन महाराज जी के चरणाश्रय करो। उस समय दीदी को फिर वामन महाराज जी के आश्रय, तो इस प्रकार का उनका प्रेम था। गुरु भाई भी इतने वरिष्ठ थे और परम गुरुदेव हमसे इतनी प्रीति किया करते थे, बोला करते थे कथा में कि कोई भक्त अगर बोले कि मेरे हृदय में भक्ति ही नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि गुरुपाद पद्म ने हमारे हृदय में भक्ति का बीज दे दिया है। अब वो हमारी भूल है, हमारे अनर्थ, हमारे अपराध है कि भक्ति नहीं बढ़ रही, परंतु गुरुदेव ने हमारे हृदय में भक्ति का वो बीज दे दिया है। परम गुरुदेव बोला करते थे आश्वासन देते हुए कि जब तक तू इस संसार से नहीं जाएगा हम बार बार आते रहेंगे। इस प्रकार का परम गुरुदेव प्रेम किया करते थे। जिस प्रकार चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने बोला है कि पृथ्वी पे आचे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार करेंगे मोर नाम, मेरा नाम हर गली में हर गांव में प्रचारित होगा। जिस प्रकार श्री राधा कृष्ण युगल की महिमा प्रचारित है, अगर भक्तों की महिमा उनके साथ प्रचारित ना हो तो वो अधूरी है। इसीलिए परम गुरुदेव का इतना बड़ा वैशिष्ट, अपरंपार वैशिष्ट, अतुलनीय इतना बड़ा वैशिष्ट है परम गुरुपाद पद्म का। उनकी तिथि पर और आज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव दिवस पर मैं उनसे उनके चरणों में गुरुपाद पद्म के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि मुझ पर भी थोड़ी कृपा करें, मुझसे कोई भूल हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरु विश्व कृपा सिंधु जी लेकर भगवान हम भावी को वैष्णव जी नमः। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की राजकुमार है यहाँ पर। आ देखो ये बच्ची कितना बढ़िया हो गई। देखो ये ऐसे नहीं बोलती, ये चीज समझो। हर तिथि में ये जब खड़ी होती है आप देखना कितने सुंदर अच्छी, क्यों ये तैयारी करती है। ऐसे नहीं आकर खड़े होकर के जो मुंह में आए बोलना शुरू कर दे, नहीं। इसको पूछो इतना कथा बोलने के लिए कितना समय बोली, 20 मिनट बोली होगी। मुझे लगता है 5-6 घंटा की 7 घंटा शायद कथा सुन करके उसने नोट की होगी, कथा को नोट की होगी, तभी जाकर खड़ी होकर के बोली। ऐसे नहीं खड़ी कर दिया जो मुंह में आए वो बोल दिया, नहीं बोल सकते। इसलिए इसकी तैयारी, और ये क्लास में जानते हो एकदम फर्स्ट आती है, क्लास में एकदम फर्स्ट आती है ये क्लास में, इसलिए इसका दिमाग तो तेज है ही है, तभी इतना अच्छी बोलती है। लेकिन हमारी भी कभी कभी दिमाग तेज तो होती है लेकिन कभी उल्टा काम में लगाते हैं। लेकिन ये तेज जो दिमाग है ये किस में लगाती है, गुरु वैष्णव की ठाकुर जी की कथा में ही लगाती है। इसलिए यहाँ पर जितने बच्चियां हैं और जितने माताएं हैं इनसे भी शिक्षा लेकर के जाओ, भैया हम भी ऐसे हरी कथा बोले, ठीक है ना, हरी कथा सुने, हरी कथा बोले और दूसरों को हरी नाम में प्रवृत्त कराए, दूसरों को भी भजन में लगाए, ठीक है ना। महाप्रभु का यही निर्देश है क्या, प्रति घरे घरे किया मांगो ये भिक्षा, हर घर घर में जा करके झोली फैला करके भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिखा, तीन चीज। इसलिए गुरुदेव हर समय कहते थे जब दूसरे दिन आओ अकेला नहीं, 10 व्यक्ति को लेकर के आओ। गुरुदेव कहते 10 व्यक्ति कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, गुरुदेव कहते थे बिना हरि कथा से ला सकते किसको, नहीं ला सकते हो। जा करके जिसको देखो, दुनियादारी बात मत करो, तेरी सास क्या हो रही है, तेरे बहू को साथ में किया, ये दुनियादारी बात मत करो, जिसको देखो कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण कथा बोलो, कितना हरि नाम किया, कितने भजन किया, कितने भक्ति किया, फिर उसको हरि कथा सुना, फिर उसको हरि कथा सुनाओ, ठीक है ना। अगली बार जब आओगे मैं देखूंगा 10-10 व्यक्तियों को प्रचार करके लेकर के आना, ठीक है, कौन कौन लाएगा है? देखो हाथ उठाए, बहुत अच्छी बात है, हाँ एक बार ताली हो जाओ तो लोगों, इसलिए बहुत बहुत अच्छी बोली, हरी कथा बोली, इसने बड़ी उन्होंने पढ़ाई की, नोट की तभी। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमते भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्चयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं त्वं शिरसां नमामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त पर हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, बोल नहीं रहे हो, कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
साधु राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम स्मरणीय गुरु पाद पद्म प्रातःकालीन स्मरणीय नित्य लीला पुष्पम जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सता श्रीमद भक्ति वेदांत परमहंस प्रचार्य त्रिदंडी स्वामी शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री आधा चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म श्रीमद नित्य लीला पुष्पम श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी के भी श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनके भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली कथा पिपासु श्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम है। हरे कृष्णा। आज जब मैं घर से चला गाजियाबाद से यहाँ आने के लिए, सर्दी तो बहुत थी और अभी भी मेरे को सर्दी लग रही है अंदर से, तो लेकिन गुरु जी की तिथि है, महाराज जी का अनुगत्य है, इतना सुंदर परिवेश है, वैष्णव लोगों का दर्शन होगा, ये सब सोच के फिर मैं चलता ही गया और यहाँ तक पहुँच गया। आप सब लोग आए हैं गुरु जी की तिथि में, तिथि पालन करने के लिए, और जैसा हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी कह रहे थे कि महाराज जी का दर्शन करने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब गुरु जी प्रकट काल में दर्शन देते थे तब हम उस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, और अभी मेरे को ऐसा भी लगता है कि जैसे महाराज जी दर्शन दे रहे हैं ना, मैं अभी भी महाराज जी के दर्शन को भी ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। सत्य बात कह रहा हूं, हृदय की कथाएं तो बहुत हैं, अपने हृदय को भजन करना है ना, भगवत प्राप्ति करनी है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, यही तो गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। ये साधारण वस्तु नहीं है, समय समय पर अपने हृदय को झकझोर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। अरे भैया, जिन वैष्णवों के निकट अभी हम हैं, क्या उनको ग्रहण कर पा रहे हैं? तो मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि 20 वर्ष महाराज जी के साथ में हो गए, महाराज जी को सब समय दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कथाएं सुनते हैं, पर अभी इनको ग्रहण ही नहीं कर पाया मैं। आप सब लोगों को तो नहीं कह सकता मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इतना पूर्व पूर्व का प्रारब्ध ऐसा जमा हुआ है ना हृदय में कि ये वैष्णव लोगों के निकट जाने का जितना प्रयास करते हैं उतना ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो कैसे होगा। लेकिन एक बात हमेशा जो महाराज जी ने भी बोली और अन्य भक्तों ने बोली कि गुरु पाद पद्म की मुख वाणी है, कहते कि मेरे आश्रित कोई भी जन जब तक इस धरा पर रहेगा मैं बार बार आता रहूंगा। ये बात ही बल देती है कि मेरे गुरुदेव सामान्य नहीं है, वो एक एक की गारंटी लेते हैं कि कोई एक भी रहेगा ना, कोई एक भी, तब भी मैं आऊंगा उसको लेने के लिए। बस इसी बात से ऐसा बल मिलता है कि भैया जिस मार्ग पे होना चलते रहो चलते रहो, और चल भी नहीं पाओगे तो वहां खड़े हो जाओ उस मार्ग पे, पीछे से आने वाले लोग तुमको धक्का मार के आगे बढ़ा देंगे। तो बस इस मार्ग पे आप डटे रहना, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है ना। शास्त्रीय बातें तो बहुत है, मैं कल पढ़ रहा था गुरु जी के ग्रह विशेषांक का जो निकला था उसमें सबने इतनी सुंदर सुंदर बातें बोली है। तो जैसे हमारे महाराज जी लोगों ने बात बोली कि श्रीमन महाप्रभु इस जगत में आए और आगे क्या क्या उन्होंने किया है ना, तो कृष्ण प्रेम का ही उन्होंने दान किया, महाप्रभु की दान लीला जो है, एक छोटी सी पुस्तक भी है गुरु जी के द्वारा लिखी महाप्रभु की दान लीला, उसमें आप देखिए कि महाप्रभु की दान लीला में महाप्रभु ने क्या दान किया, ऐसी चीज को दान किया जो सबके लिए उपलब्ध थी नहीं और सब लोग दे भी नहीं सकते थे। तो महाप्रभु आए, वो चीज दी जिसके विषय में कृष्ण प्रेम के विषय में बतला रहा हूं कि कृष्ण प्रेम जो सब दे नहीं सकते और सब ले भी नहीं सकते, ऐसी चीज महाप्रभु ने सबके लिए मुक्त हस्त वितरण की और जो जो योग्य नहीं भी थे उनको भी दिया। तो यहाँ पे बतला रहे कि जैसे महाप्रभु ने आकर किसके द्वारा किस किस चीज को स्थापित कराया, तो जैसे रूप गोस्वामी जी के माध्यम से उन्होंने माधुर्य रस की स्थापना कराई, और हमारे जितने भी ऐसे ग्रंथों का आप पढ़ोगे उज्जवल नील नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ऐसे ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे तो उसमें रस का विचार आपको रूप गोस्वामी जी के माध्यम से पढ़ने को सुनने को मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इनके माध्यम से क्या कराया, इनके माध्यम से उन्होंने सिद्धांतों को स्थापित कराया कि ऐसे ऐसे गौड़ीय सिद्धांत महाप्रभु ने इन अपने अनुयायियों के द्वारा ऐसे ऐसे सिद्धांतों की स्थापना कराई जो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलते, सिर्फ लिख के या बोल के ही नहीं, उनके अपने जीवन से
ऐसा उन्होंने आचरण करके दिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में हमने गुरुवर्ग से सुना, महाराज जी अक्सर अपना कथाओं में इस बात को कहते हैं कि कैसे वो पूरी धाम में एक वस्त्र धारण करके सिंह द्वार पे खड़े हो गए भिक्षावृत्ति से, और बाद में भिक्षावृत्ति को भी छोड़ के जो जगन्नाथ जी का भोग होता था वो पीछे निकल जाता था, उसको लेके उसको ग्रहण करते थे थोड़ा सा नमक डाल के। ऐसा उन्होंने सिद्धांत स्थापित करे आचरण करके। और फिर बतला दें कि ये श्रीमन जो नारायण गोस्वामी महाराज जी थे तो उनके द्वारा क्या स्थापित कराया, उनके द्वारा क्या स्थापित कराया इस जगत में। तो मैं पढ़ रहा था कि वहां लिखा हुआ है राधा दास्य केवलम, तो जगत में जो राधा दास्य की बात है वो गुरु महाराज जी के द्वारा ही उन्होंने स्थापित कराई है। उससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला कि हमको क्या बनना है। जैसे हमने पूर्व पूर्व में बहुत बहुत अपने क्या कहते हैं वैष्णवों से सुना है कि आज छोटे से छोटे बच्चों को पूछ लो, जैसे महाराज जी कहते हैं कि कोई भी अगर गुरु जी के संपर्क में आया होगा तो आप उससे पूछ लो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि राधा दास्यम। तो इसकी स्थापना गुरु जी से करवाई श्रीमन महाप्रभु ने। तो ऐसे गुरुपाद पद्म के हम आश्रित हुए जिन्होंने जन जन के हृदय में श्री राधा जी की सहचरी मंजरी होने के भाव को स्थापित करा। तो ऐसे गुरुपाद पद्म के हम चिरकाल तक ऋणी रहेंगे, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं महाराज जी से सुनने के लिए हम आए हैं। और एक बात छोटी सी और बोलूं कि जैसे गुरु जी के अनंत उपदेश हैं तो उसमें सबसे पहला है गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है। ये लिखित में गुरु जी के उपदेशों में से एक उपदेश पहला उपदेश है कि गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है। मेरुदंड का मतलब बैकबोन, जिसके बल पे व्यक्ति खड़ा होता है, बैठता है, चलता है। तो भक्ति जो भी करना चाहता है वही भक्ति व्यक्ति कर पाएगा जिसकी गुरु निष्ठा जितने परिमाण में मजबूत होगी उसकी भक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। अब जैसे प्रशंसा की बात नहीं है, जैसे इस बिटिया को अभी सुना महाराज जी जिनके विषय में बता दीजिए, ये राधा प्रभु की बेटी है, इनको 2 वर्ष पहले इसी तिथि में यही सुना था, लेकिन इनकी भक्ति में उससे कहीं ज्यादा एक चमक देखने को मिली आज सुन के। तो ऐसे बच्चों को जब हम भक्ति में लगाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो सनातन धर्म है, ये जो गौड़ीय वैष्णवों का सिद्धांत है, ये आगे जाके और खिलेगा। तो आप सब लोग अपने अपने बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दें। जब कभी भी हम मध्य में अगली बार जब 14 फरवरी को हमारे मंदिर की ओपनिंग होगी और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 7 दिन तक भी भागवत कथा होगी, इसलिए तभी तक जितने बच्चे यहाँ बैठे हो जितने सबको हम चांस देंगे सबको बोलने के लिए। लेकिन आप लोग को तैयारी करना, ठीक है, बढ़िया हरी कथा तैयारी करना। आप जो तैयारी करोगे आप सबको हम चांस देंगे खड़े होकर के बोलने के लिए। सब तैयारी होकर के आओगे, कौन कौन आएगा, जो आएगा सबको हम चांस देंगे। अरे हाथ खड़े करो, हाथ क्यों नहीं खड़े करते हो, जो जो बोल सकते हो, केवल लड़कियां नहीं बड़े लोग भी हैं। सब तैयारी होकर के आओगे सबको हम चांस देंगे। देखो इधर सुन लो, देखो हमारी गुरु जी के अंदर में क्या थी, जब गुरुदेव हर तिथियों में गुरुदेव सबको बोलने के लिए चांस देते थे। देखो मेरे जीवन सुन लो, हरे कृष्णा ए बात मत करो। एक समय जब मैं मथुरा में आया हूँ, हम लोग हरी कथा कैसे सीखे, भक्ति विनोद ठाकुर का तिथि आई, गुरुदेव बोले रसानंद तुम खड़े होकर कुछ बोलो। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो नया नहीं आया था, फिर मैं बंगाल से, फिर बंगला हिंदी भी नहीं जानता था। बोले गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता हूँ, गुरुदेव मेरा उस समय उम्र भी कम था। गुरुदेव बोले तू मेरे आदेश से पालन करोगे ना, तेरा आदेश मैं पालन पड़ गया, चक्कर में पड़ गया। पहले मेरे खड़ा होकर मैंने हरी कथा बोला, और वहां पर जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वहां बहुत सन्यासी ब्रह्मचारी, बोलना इतने आसानी नहीं, मेरे शरीर से तो पसीना पसीना बह रहा था, ये क्या बोल रहा हूँ मेरे पता नहीं चलता था। पहला बार हो गया, फिर दूसरा बार बलदेव प्रभु, मतलब गुरुदेव कितने स्नेह करके बच्चों को सिखा देते। बलदेव विद्याभूषण की तिथि आई, गुरुदेव तीन तीन चार चार बार कथा करते थे, फिर शाम को सबको खड़े करते थे बोलो। लेकिन गुरुदेव के अंदर में ये तिथि थी, पहले जो व्यक्ति एक बार बोल देगा उसको फिर तुमको रिपीटेशन नहीं करना, नया बात बोलना पड़ेगा। अभी उनको जीवन चरित्र इतना कहाँ, अगर उनका ग्रंथ को पढ़ो तब तो कोई बोल सकता वेदांत सूत्र को। पहले 2-3 को खड़े कर दिए, गुरुदेव मेरे को बोले रसानंद तुम खड़े हो जाओ। बोले गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता हूँ, जानते हो गुरुदेव मेरे को इतना डांट दिया। बोले पिता माता की सेवा नहीं किया, उनको भी धोखे दे करके मंदिर में तुमने आया। गुरु अपना पिता माता की सेवा नहीं करके मंदिर में आया,
यहाँ पर भी गुरु जी को भी थोका देना चाहते हो क्या? मटे में खाने और सोने के लिए यहाँ पर आए? गुरुदेव का ये बोली थी, सभी भरी सभा में मेरे को गुरुदेव ऐसे बोले, मैं तो कांप उठा। लेकिन मैंने देखा गुरु जी का शासन कितने कल्याण है। मैं एक बार में ऐसे जग गया, फिर पंचांग देखने लग जाता था कौन गुरुवर्ग का तिथि आएगा। 15 दिन पहले मैं तैयारी करना शुरू करता था, 15 दिन। फिर बोलते बोलते क्या हुआ, बोले गुरु जी की मैंने देखा शासन कितना कल्याण है। बोलते बोलते एक दिन ऐसे हरि कथा बोला, सबसे पहले गुरुदेव मेरे नंबर पर मेरा नाम लेते थे, बोले रसानंद भी रस बरसाएगा, सबसे पहले मेरा नंबर आती थी सारे हरि कथा में। ब्रजमंडल परिक्रमा भी सबसे पहले गुरुदेव मेरे को खड़े करते थे, तुम हरि कथा बोलो। फिर ये हरि कथा को अंग्रेजी भाषा में फिर ट्रांसलेशन होता था, मतलब गुरुदेव मैंने देखा अगर किसको सांसद नहीं करे ना, हम ये बोलना चाह रहे थे जैसे आपको कुछ दिन बाकी है ना, अगर आप लोग तैयारी करोगे ना, जैसे आप पढ़ाई करते हो पेपर आता है तैयारी करते कि नहीं, ऐसे थोड़ी बोल देते हो, अगर आप तैयारी करोगे ना भी हम भी हरि कथा बोलेंगे। बस आपको एक विषय है, ये जीवन पा करके हरि भजन क्यों करनी चाहिए, ये जीवन का क्या दुर्लभता है, ठीक है ना। अलग अलग विषय पर सबके सब अलग अलग तैयारी करना, भगवान है क्या नहीं, मैं कौन हूँ, ये एक एक अच्छी अच्छी क्लास है, ठीक है। आप लोग जिस विषय पर तैयारी करोगे मैं उसी विषय पर आपको बोलूंगा मैं बोलने के लिए, ठीक है ना। सबके सब तैयारी करके आना और रेडी होकर के आना बोलने के लिए। बोलो गुरु महाराज की। हाँ, अब ये हमारे विशाखा दीदी गुरु जी की ये शिष्या है, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। देखो दीदी कहाँ गई, इधर आ गए। देखो ये दीदी की अपरन पर महिमा है, देखो इनकी जैसे आप लोग बनो। ये जो मोरी गेट में थी, ये थी वहां पर, उन्होंने भागवत कथा की व्यवस्था करती थी, हम लोग को बुलाया करते, और उन्होंने वहां पर भी जहाँ रही उन्होंने, देखो आप लोग इनसे कुछ सीखा लेकर के जाओ, ऐसे नहीं आए बैठे प्रसाद पाकर चली गई। देखो ये चीज, फिर वहां पर सबको बुला करके उसने भागवत कथा कराना, लोगों को बहुत जोड़ी। फिर किसी कारण से फिर वहां से घर छोटा पड़ा तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा में आ गई, और ग्रेटर नोएडा में आकर भी प्रचार करना शुरू कर दिया, ऐसे बैठ नहीं गई। और ऐसे ऐसे उन्होंने व्यक्ति को बनाई जो सोच नहीं सकते, एक एक व्यक्ति एक 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 लाख हरिनाम करती है, एक एक व्यक्ति मतलब इनकी जो प्रभाव है, ऐसे नहीं इनका पति नहीं, पति है, इनका ससुर भी है थे उस समय, सास भी थी, दो दो बेटे हैं, ऐसे नहीं कोई कोई नहीं, सबको प्रसन्न, घर में जाकर पूछ लो सब इनको प्रसन्न है, सबके सब प्रसन्न खुश है। लेकिन ये होते हुए भी ये माता ऐसे प्रचार करती हैं, वहीं पर ऑनलाइन से क्लास देती हैं, और ऐसे उत्साह उसने दी, पूरा माहौल को पूरा अपना वातावरण वहां पर भगवान के भजन में लगा दिया ऐसे। इसलिए आप भी ऐसे नहीं केवल भक्ति करे, अड़ोसी पड़ोसी को प्रचार करो, कृष्ण क्या कहते हैं, सबसे प्यारे मेरे कौन है। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, जब जितना जीव सब भगवान की संतान है, कहते सबसे प्यारी वही है जो मेरे भले भुटकते हुए जीव को जो मेरे पास में ले आए, वो सबसे ज्यादा प्यारे हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना, ऐसे नहीं घर में खाओ और सो जाओ, अड़ोसी पड़ोसी को प्रचार करो, हरि कथा बोलो, हैं। अगर देखो और एक चीज समझो, गांठ बांध कर ले जाओ, जो हरि कथा नहीं बोलते हैं वो कभी जीवन में भजन कर ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। आप देखना कुछ दिन बाद में गले से माला उतर जाती है, तिलक चली जाती है, क्यों, कारण क्या, बोले कारण है स्वयं तुम भजन करती नहीं, दूसरों को नहीं सुनाती हो, जो सुनाएगा ना वो पहले देखेगा मेरे तिलक है कि नहीं, गले में कंठी है कि नहीं, कितने माला जब करता हूं, स्वयं को बाधा देगा, किसको बोलने जा रहे हो, खुद करता है कि नहीं, प्रचार किए बगैर तुम भी स्वयं भी स्थिति तुम्हारी गड़बड़ी होगी, ठीक है ना। इसलिए अगर महाप्रभु का आदेश है, जिसको देखो हरि कथा बोलो, ये महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु का, ठीक है ना। सबके सब अड़ोसी पड़ोसियों को हरि कथा में लगाओ, भजन में लगाओ, और उनको भगवान के भजन में लगाओ। वहां पर अपना घर को नाम हाट, भक्ति विनोद ठाकुर नाम दिया, नाम हाट बनाओ, हर घर को सत्संग भवन बनाओ, ठीक है। हाँ दीदी खड़े हो जाते,
ज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानांजन शराख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विष्णुपदाय रूपिष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गुरुस्वामीति नाम्ने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथे श्री गुरुसाई कर चरण वंदनीय विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु और भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद आज इनकी और तिथि है पूज्यवाद वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी को चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी महाराज जी ने बोला ना सब लोग कथा प्रिपेयर करके लाना, तो जिस जिसको कथा प्रिपेयर करनी है वो मुझे अपना नाम दे देना, या ये बच्ची है वंशिका उसको अपना नाम दे देना, मैं थोड़ी बहुत आपकी सहायता कर सकती हूँ। आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी जिसे आप पढ़ सको, कुछ ऑडियोज दे दूंगी जिसे आप सुन सको, फिर वैसे आप तैयार होकर आना। क्यों? क्योंकि हमने संसार में इतनी पढ़ाइयां की हैं, आप स्कूल के एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत करते हो। क्या 15 दिन हम ठाकुर जी की महिमा के लिए तैयारी नहीं कर सकते? इसलिए जिस जिसको भी कथा बोलने की तैयारी करनी है मुझे नाम देना या वंशिका को नाम देना। हरे कृष्णा। आज मेरे गुरु जी का विरह दिवस है। गुरु जी की आपने अनंत महिमा बहुत बहुत वक्ताओं से सुनी है, उसमें से कुछ मैं भी बोलकर अपनी वाणी को पवित्र करना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी को एक उपाधि मिली युगाचार्य, युगाचार्य की उपाधि मिली गुरु जी को। आचार्य मतलब कौन? जो स्वयं आचरण करके प्रचार करे। तो गुरु जी के जीवन में सबसे पहले देखा जाता है शिष्य। वो शिष्य कैसे थे? शिष्य होकर उन्होंने हमारे लिए, यही हमारे लिए सीखने का सबसे ज्यादा अच्छा उनका पार्ट है लाइफ का। वो शिष्य कैसे बने हमें भी कुछ कुछ अपने जीवन में ऐसे अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले उनके जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कितना स्नेह था। एक बार मठ के बाहर नरोत्तम ब्रह्मचारी जो हैं उनका किसी के साथ वाद विवाद हो गया। बहुत सारे वहां पर खड़े थे लेकिन सब लोग सुन रहे थे। अंदर से गुरुजी को जब आवाज आई, पता चला कि नरोत्तम ब्रह्मचारी के साथ वो लोग बाहर वाले आकर कोई लड़ाई कर रहे हैं, तो गुरुजी ने एक डंडा उठाया और उनको मार दिया। इससे आप समझो कि हम यदि किसी को अपना सद बंधुवत मानते हैं, जैसे यदि हमारे घर में हमारे भाई के साथ किसी की लड़ाई हो जाए तो क्या हम उस समय सोचेंगे खड़े होके यहाँ पर लड़ाई करना ठीक है कि नहीं, क्या करें कैसे करें? हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होगा कि अपने भाई के साथ खड़ा होके उससे लड़ाई करना। इसी तरह जब तक हम अपने गुरु भाई बहनों के साथ इस तरह का प्रेम सद बंधुवत नहीं लाएंगे, गुरु जी से वो प्रेम नहीं आ सकता। पहले वैष्णव दास बनना पड़ेगा, फिर गुरुदास, फिर जाकर राधा दास से मिलेगा, सीधे राधा दास से कभी मिलेगा नहीं। एक और आप सबने सुना ही होगा अनंग मोहन ब्रह्मचारी का, किस तरह से सेवा करी गुरु जी ने। और एक और केशव जी गौड़िया मठ में जब रहते थे गुरु जी, तो किसी दूसरे मठ में, ये तो अपने गुरु भाई थे, कहते हैं कि चलो अपने गुरु भाई से तो रहते रहते फिर भी स्वाभाविक स्नेह हो जाता है, लेकिन ऐसे ही दूसरे मठ से कुछ ब्रह्मचारी आए, उनके मठ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बाहर वाले आके उनका जमीन हड़पना चाह रहे थे। उनके मठ में ब्रह्मचारी कम थे तो उनको लगा इनको डरा कर भगा देंगे। वो हमारे गुरु जी के पास आए, उन्होंने बताया, हमारे गुरु जी ने अपने ब्रह्मचारी वहां पर भेजे और उनका भी वहां पर उनका साथ दिया। तो इससे देखिए कि वैष्णव, सभी वैष्णव हम लोग गुरु भाई बहन एक दूसरे से जब स्नेह नहीं करेंगे, जब हमारा ऐसा सद्बंधुवत प्रेम नहीं निकलेगा, तो हम कैसे राधा रानी की दासी बन सकते हैं? और फिर आगे उनका सन्यासी जीवन, सन्यासी जीवन में जब वो आए तब भी उन्होंने आदर्श के साथ दिखाया कि कैसे सन्यासी होना चाहिए। जैसे वंशिका ने बताया, उनके घर से उनके बहन, उनके माता पिता आया करते थे उनसे कभी कभी मिलने। तो एक बार उनकी बहन आई, कई बार आई उनकी बहन, लेकिन एक बार गुरुजी की पत्नी ने बहुत उनको आग्रह किया कि मुझे भी एक बार ले चलो उनके दर्शन करने के लिए।
तो बहुत रोने लगी उनकी पत्नी, तो उनकी बहन और पिताजी गुरुजी की पत्नी को भी ले आए। तो एक बार यहाँ पे समझो, गुरु क्या होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, उन्हें साधारण कभी समझना नहीं। तो जैसे ही गुरु जी की बहन उनसे मिलने गई तो गुरु जी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, तेरे साथ कौन कौन आया है? तो फिर उन्हें बताना पड़ा कि भाभी भी आई हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर तू ऐसे सबको इकट्ठा करके लेके आया करेगी तो तेरा आना भी यहाँ से बंद कर दूंगा, तू चली जा यहाँ से। तो उनकी बहन ने बोला, आप तो सभी जीवों पे दया करते हो, सभी आपका दर्शन कर सकते हैं, क्या भाभी जो है एक जीव की तरह आपका दर्शन नहीं कर सकती, क्या आप उनको दर्शन नहीं दे सकते? तो गुरुजी का विचार सुनिए, गुरुजी ने बोला, नहीं, तुम जो है साधारण मेरे साथ संसार का संबंध देख रही हो, लेकिन इस समय मैं एक सन्यासी हूँ। जिस तरह महाप्रभु ने सन्यास जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया, उसी तरह मुझे भी आगे फॉलो करना है। सन्यासी का धर्म है कि वो पूर्व आश्रम की अपनी पत्नी का मुख दर्शन भी ना करे। तो मैं उन्हीं उसी परंपरा में चलूंगा, मैं कुछ अलग नहीं करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को बिना दर्शन दिए ही वापस भेज दिया, और फिर दिखाया कि किस तरह से अपने भाई बहनों के साथ उन्होंने संसारिक कोई भी संबंध नहीं रखा। एक बार वो आई तो उनसे पूछा, तुम लोग रहोगे कहाँ? तो वो हैरान हो गई कि मतलब हमसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, तुम तो इस मठ के अध्यक्ष हो, क्या तुम हमारे लिए इस मठ में थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकते? तो फिर महाराज जी ने बताया, महाराज जी बोले, तुम्हें क्या लगता है ये संपत्ति सारी मेरी है, ये संपत्ति सारी मेरी गुरुवर्ग की है, मैं तो केवल इस संपत्ति का एक रक्षक हूँ, एक चौकीदार हूँ, ये संपत्ति मेरी नहीं है। और तुम मुझे कभी भी अपना संसार का भाई समझना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यहाँ आना जाना भी बंद कर दूंगा। धीरे धीरे फिर उन्हें आते आते हरि कथा सुनते सुनते उन्होंने हरि नाम लिया, लेकिन उनके हाथ से कभी भी गुरुजी कुछ ग्रहण नहीं करते थे। मतलब गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी शिष्याएं जिनसे इतना प्यार करते थे गुरुजी, उनको बोल देते थे तुम बेटी मेरे लिए ये बना लो, बेटी मेरे लिए वो बना लो, लेकिन अपने बहन के हाथ से नहीं ग्रहण करते थे। भजन करते 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 एक दिन जब उन्होंने देखा कि परिपक्व हो गई, तब एक दिन बोला कि तुम मेरे लिए ये बना कर लाओ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अब समझ लिया था कि अब इसका जो संसारिक भाव है मेरे प्रति, वो भाई बहन का नहीं है, गुरु और शिष्य का भाव आ गया है। तब उनके हाथ से कुछ ग्रहण किया। इस तरह से हमारे गुरुजी बहुत ही प्रेम से हमें सिखा कर गए कि किस तरह हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। सद बंधुवत मतलब अपना बहुत निज जन मानकर। तो जब हम अपना निज जन यहाँ पर अपने गुरु भाई बहनों को नहीं मानेंगे, तो कैसे ठाकुर जी को हम अपना निज जन मान सकते हैं? और आज जो तिथि है पूज्य पाद वामन गोस्वामी महाराज जी की, उनकी एक और घटना थोड़ी सी स्मरण आ रही है। महाराज जी रसोई में हमेशा दक्ष थे, रसोई महाराज जी बनाते थे वहां पर। तो एक बार ऐसे चावल और दाल चढ़ाकर, सब्जी चढ़ाकर नीचे पानी लेने आ गए। नीचे से पानी ऊपर रसोई तक लेके जाना होता था। जब वो पानी लेकर ऊपर जाने लगे तो देखा उन्होंने कि बहुत सुंदर सी एक स्त्री रसोई में है। और जैसे ही वो पहुंचे वहां से, वो स्त्री उठकर चली गई। वो इतने हैरान, क्योंकि उस समय स्त्रियों का रसोई में प्रवेश भी नहीं था, तो वो बहुत हैरान हुए कि ये कौन है। और आकर परम गुरु जी को बताया कि गुरु जी आपने देखा आज कोई स्त्री आई थी रसोई में कुछ सेवा करने के लिए, और मैं तो हैरान हो गया, और मेरे को देखते देखते वो पता नहीं कहाँ चली भी गई। तो परम गुरु जी हंसे, बोले तुझे नहीं पता वो कौन है? वो हमारी स्वामिनी है, तू तो सब्जी छोड़कर चला आया था, वो जल जाती तो वो ठाकुर जी कैसे जली हुई सब्जी खाते? तो सबसे ज्यादा चिंता किसको है? हमारी स्वामिनी को है कि ठाकुर को कैसा भोग लग रहा है। तो वो स्वयं आई, उसको वो जल ना जाए सब्जी चलाने के लिए। तो इससे समझो कि हमारे गुरुवर्ग साधारण नहीं है। ऐसा ऐसा अपना ऐश्वर्य प्रकाशन हमारे गुरुदेव हमारे लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण भाषा में जब वो कहेंगे हरिनाम करो तो हमें समझ आएगा नहीं। जब हमें समझ आएगा, अरे ये तो राधा जी की निज जन है, वो कह रही है मुझसे हरिनाम करो, तो शायद थोड़ा सा हम
भजन में आगे प्रगति करें। और एक और उन्होंने शिक्षा देने के लिए बताया, एक बार जब वो छोटे से बच्चे आ गए थे मठ में, तो उनको स्कूल में एडमिशन करवाया गया था, और वो वहां पर जितना पढ़ते थे केवल उतना ही पढ़ते थे, मठ में आकर सारी सेवा करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। जब उनका रिजल्ट आया तो परम गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले, संतोष इधर आ, तू तो फेल हो गया। तो गुरुजी क्या बोले, पूज्य पद वामन गोस्वामी महाराज जी बोले, मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो परम गुरुजी ने पूछा, क्यों ऐसा क्यों, तू फेल क्यों नहीं हो सकता? तो बोले, यदि कोई वैष्णव सेवा करे तो वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो फिर महाराज जी हंसे और बोले, तू तो पूरे जिला में प्रथम आया है। तो यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है, परफेक्शन सीखनी है, तो वैष्णव सेवा सीखनी पड़ेगी। वांछा गल तरु हमारे वंदना दीदी बोलो दी, हाँ दो मिनट आ जाते, उसके बाद श्यामानंद तुम खड़े हो। हाँ समय हो गया, तो दिक्कत मैं 5 मिनट के लिए आता हूँ, 5 मिनट आ रहा हूँ, मैं उसके बाद तुम बोलना फिर मैं आ रहा हूँ। हरे कृष्ण। अपने प्रिय गुरुदेव श्री नारायण महाराज और उनके प्रिय गुरु भाई श्री वामन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज वैसे मैं सोचकर आई थी कि मैं सिर्फ सुनूंगी और बोलूंगी नहीं, पर जब महाराज जी ने बोला कि जो हरि कथा नहीं करता वो भजन में अग्रसर नहीं हो सकता, तो मैं एक सेकंड गुरुजी जा रहे हैं क्या? हरे कृष्ण। अभी महाराज जी वापस आएंगे, तो मैंने सोचा कि कुछ मुझे भी बोलना चाहिए, तो शायद गुरुदेव की कृपा नहीं प्राप्त नहीं होगी। तो अभी इतने अच्छे वैष्णवों ने सबको बोला, तो मैं तो सिर्फ एक थोड़ी सी 2 मिनट की जो मुझे समय मिला है, एक समरी आपको देना चाहूंगी कि जैसे गुरु, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि गुरु की कृपा ही भगवान की कृपा है, और गुरु को कहा गया है कि गुरु सर्व देव महे, अर्थात जो देवताओं में सबसे उत्तम है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो गुरु को भी ब्रह्मा विष्णु महेश मैं बोला गया है, विषय नहीं आश्रय बोला गया है। तो क्यों बोला गया है ब्रह्म मैं क्यों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जो हैं वो इस संसार की सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, तो उसी तरह से जो गुरु है वो हमारे अंदर भक्ति की सृजन करता है, रोपित करता है। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि गुरुदेव कभी अपनी नीली आंखों से, अपनी मधुर वाणी से हरि कथा कहकर, येन केन प्रकारेन, किसी से जनरल बातें, स्माइल, स्नेह देकर पहले भक्ति का रोपण करते थे। कई बार ऐसे लोग भी गुरुदेव के पास आते थे जो भक्ति के बारे में नहीं सुनने आते थे, सिर्फ अपनी व्यथा बताने आते थे, तब भी गुरुदेव अपने पेशेंस से उनसे उनकी संसारिक बातें सुनते थे कि किसी तरह से ये मंदिर आने पे अट्रैक्टेड हो जाए और फिर मैं इसे हरि कथा से भक्ति में लेके आ सकूं। तो वो ये केन प्रकारेन भक्ति हृदय में रोपित करते थे। और फिर दूसरे है कि गुरुदेव विष्णुमय, विष्णु का जैसे कार्य होता है अपने पालन पोषण करना, तो इसी तरह से गुरुदेव हमारी भक्ति का पालन पोषण करते थे वो, और जितना वह परिश्रम करते थे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 70 साल की उम्र में उन्होंने खुद हमें कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, उन्होंने प्रचार शुरू किया, देश विदेश गए, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते थे, और उन्होंने हर तरह से जहां जहां भक्त थे, स्वामी महाराज जी के भक्त थे, उनकी भक्ति का पालन पोषण किया।
और फिर जो गुरुदेव होते हैं वह महेश में, महेश में कैसे, जैसे शिव जी हैं वो श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से हमारे अनर्थों का, हमारे अपराधों का को नष्ट करके गुरुदेव हमें प्रेममयी भक्ति देते हैं। तो हमें उनकी इस कृपा को समझना चाहिए। और ये भी जैसे एक सिंपल सा एक और उदाहरण दूंगी कि जैसे चीन में कोई चीज बन रही है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा चीन के साथ संबंध नहीं है तो हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु अगर नेपाल में कोई चीज है और नेपाल का चीन के साथ संबंध है तो हम नेपाल के थ्रू चीन की चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो चाइना में बन रही है। उसी तरह से जो हमारे गुरुदेव हैं, वो जो भक्ति है वो कहाँ पे है, भक्ति गोलोक वृंदावन में है, वहाँ के परिकरों के हृदय में है, गोपियों के हृदय में, यशोदा माता के हृदय में। तो वो हमें कैसे प्राप्त होगी, तो जो हमारे गुरुदेव हैं वो उनके अंतरंग प्रिय हैं, अर्थात उन्हीं के आदेश से वो इस जगत में आते हैं। तो अगर हम अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखेंगे, उनके शिष्यों के प्रति, जैसे श्रीधर महाराज है उनकी छाया है, जो वो कह रहे हैं, जो वो हरि कथा सुना रहे हैं, अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे गुरुदेव की कृपा हमें प्राप्त होगी और उस कृपा से हमें प्रेममयी भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। भाई थोड़ा सा शांति बनाए रखे, बहुत आवाज आ रही है पीछे से, इतनी आवाज आ रही है, सब बातें कर रहे हैं। सीढ़ियों पे क्या यार, बच्चे थोड़ा सा शांति रखो, बाहर जाके खेलो, खेलना है तो छत पे चले जाओ। ओम अज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय केशपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी नामिने वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट और विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य तदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतुक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट और विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी कृपा से वधि प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित माताएं प्रभु लोग दीदी लोग सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है, हमारा यहाँ पर गुरु जी की कृपा से विशेष श्री विनोद बिहारी गौड़ी मठ यहाँ पर निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है और सब कुछ तैयारी है। बस सबसे पहले गुरु पूजा कर रहे हैं आज हम, पहले कहते हैं सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की महिमा कीर्तन की। गुरु जी द्वार पर बैठे हैं कि जब गुरु जी की सेवा करके इनका अधिकार लेकर हम अंदर प्रवेश करेंगे, तो इसलिए अभी हम गुरु जी की सेवा में और एक महीने हैं, फिर गुरु जी की कृपा से गुरु जी पट खोलेंगे तो हमारे बड़े सुंदर ठाकुर जी राधा विनोद बिहारी 14 फरवरी को सबको दर्शन प्राप्त होंगे, चैतन्य महापुरुष राधा विनोद बिहारी। और तो हमने सबसे पहले मठ में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कल तिथि मनाई 31 दिसंबर को और आज हम गुरु वर्गों की महिमा का, यद्यपि हमारा बहुत सारे कंप्लीट कार्य नहीं हुआ था पर फिर भी महाराज जी ने कहा नहीं करो, जैसे भी है जैसे तैसे है, पर भक्त लोग सब लोग लग गए और जैसे तैसे करके कार्यक्रम हुआ।
तो अभी महाराज जी गुरु जी की महिमा का हम लोग श्रवण कर रहे थे, दोनों गुरुद्वय की महिमा का बड़ा सुंदर सुंदर महिमा का गान कर रहे थे। मैं भी महाराज जी के चरणों में एक पुष्पांजलि पूज्य बामन गुस्सी महाराज में एक पुष्पांजलि देता हूँ। महाराज जी अभी 2 मिनट में नीचे आएंगे। जैसे कि कभी भी ना गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी ने कहा यहाँ पर बैठे रहो, मैं अभी आ रहा हूँ, पर सब लोग उठ उठ के फिर ऊपर जाने लगे, है ना, इससे क्या होता है अपराध होता है। एक बार हमारे गुरुदेव पूज्यपाद परम आराधितम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ऐसी कथा में से ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी और परिक्रमा करते करते उनको बाथरूम आया, तो बाथरूम करने के लिए गए, सारे लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो महाराज जी बोले अरे कम से कम बाथरूम तो करने दो। तो कहने का तात्पर्य यह क्या है, हमें क्या करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब जो लोग ऐसे अति भक्ति क्या है, चोरों का लक्षण होता है, इसलिए आराम से बैठो और जब समय मिले, देखो महाराज जी आगे वहां पर ही महाराज जी को किसी ने जाने नहीं दिया, वहीं रास्ते में रोक दिया, फिर आने नहीं दिया, तो इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बार पूज्य बामन गुस्से महाराज जी के एक सेवक थे, अभी भी है, गोवर्धन में गिरधारी गौरमठ है, उनका नाम है गोवर्धन दास बाबा जी महाराज। वो गुरु जी की बहुत सेवा करते थे, तरह उनकी शारीरिक सेवा, उनके लिए रसोई बनाना, हर तरह से उनकी सेवा करते थे, जैसे एक माँ बच्चे की सेवा करती है। परंतु जब देवानंद गौड़ीय मठ का बहुत लास्ट भी समय था, तब उन्होंने कहा तुम गोवर्धन में जाके भजन करो, गोवर्धन में जाके भजन करो। हमारे जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी है, उन्होंने भी ये कहा है, अंतिम वाणी में कहा है, तुम लोग क्या करना, रूप रघुनाथ की वाणी का पालन करना और उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करना। और उन्होंने क्या कहा, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम प्रत्याशा में तुम गुरु गोवर्धन त्वम, ये करके तुम गिरिराज जी में, सभी हमारे गुरुवर ने भजन किया है, तुम जाके गिरिराज जी में जाके भजन करो, वहीं पर रहो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं आपकी सेवा के बिना, मैं आपके लिए सुबह उठता हूँ आपका दर्शन करता हूँ, शाम को सोता हूँ आपका दर्शन करके, दिन भर आपकी सेवा, मैं आपकी सेवा के बिना कैसे रह सकता हूँ और मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रह सकता हूँ। तब उन्होंने कहा मैं तो गोवर्धन में ही रहता हूँ, मैं तो गोवर्धन में रहता हूँ, वहीं भजन करता हूँ, तुम जाओ वहां पर, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अब वो आगे गिरिराज जी में आकर दान घाटी से 1 किलोमीटर आगे चलेंगे, उनका मठ है गिरधारी गौड़ मठ, अभी बहुत सुंदर नया बन गया है। तो उन्होंने कहा, उनको बड़ी गुरु जी की याद आई, सुबह सुबह माला करने लगे उठ के, वो बाबा जी महाराज अभी भी स्वयं अर्चन करते, 1.5-2 लाख हरिनाम करते। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपने कहा था कि मैं तो गोवर्धन में ही रहता हूँ, और अभी जैसे महाराज जी बताए ना अंतर्यामी है, कई बार उन्होंने 2-2 रूप धारण किए, एक बार नहीं, अंतर्यामी, किसी को वचन दे दिया, वहां भी चले गए और मठ का कार्यक्रम भी किया। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा है कि मैं गोवर्धन में ही रहता हूँ, तो बड़े चिंता करे, गुरु जी तो झूठ नहीं बोलते, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंदो मोही सावधान, गुरु का भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी किसी को वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, एक कभी भी गुरुदेव, हमेशा कोई भी गुरुदेव है जो वास्तव में वचन दे दिया तो पूरा करते थे। तो उन्होंने सुबह सुबह 2:30 बजे उठ के मंगल आरती, 2:30 हरिनाम किया, फिर मंगल आरती की, और बड़े चिंता आनी करते करते गुरु जी का ध्यान करने लगे, गुरुदेव मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता, मैं नवदीप में ही दोबारा से आ जाता हूँ। तो जैसे ही वो बाहर आए, जैसे ही बाहर आए, अपने उनका परिक्रमा मार्ग पे ही मंदिर है, बिल्कुल गेट पे ही मंदिर है, तो जैसे ही बाहर आए तो देखो पूज्य बामन गुरुदेव उनके जा रहे हैं हरिनाम करते हुए, उन्हें गुरुदेव गुरुदेव और प्रणाम करने लगे उनको, गुरुदेव निकल गए। उन्होंने कहा फिर गुरुदेव कहाँ नवदीप में, और अभी कहाँ, जैसे चिंता कर रहे थे गुरुदेव ने उन्हें गिरिराज में दर्शन किया। तब उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने आज पत्र लिखा, मैंने आपको आज दर्शन किया यहाँ पर, आप गोवर्धन में आप परिक्रमा कर रहे, कहते मैं तो रोज परिक्रमा करता हूँ गोवर्धन, इसलिए मेरी इच्छा थी तुम गोवर्धन में रहो, मैं तुम्हें रोज वहां दर्शन दूंगा। तो वो उस दिन के बाद वहां पर गए नहीं महाराज जी नवदीप में। और एक माता जी को वचन दिया था कि मैं, वो बहुत गरीब माता थी, कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, और महाराज जी बहुत वृद्ध हो गए, और महाराज जी क्या 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 सोचते थे कि मैं जब जाता हूँ मेरे साथ कितने 50 ब्रह्मचारी होते हैं, 50 सन्यासी होते हैं, और ये माता जी घर में ज्यादा प्रसाद बनाएगी, कष्ट होगा, इतना बेचारा पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाएगी। तो मौका ढूंढ रहे थे मैं कब अकेला रहता हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, महाराज जी जा रहे थे सिलीगुड़ी के पास से जा रहे थे, और देखा आज अच्छा मौका है, ना उनके साथ ब्रह्मचारी है ना सन्यासी है, और चले गए एकदम से आगे। और माता कोई तैयारी ना, गुरुदेव आपने पहले क्यों नहीं बताया आप आओगे, तो हम लोग
सौभाग्य होता है ना, गुरुदेव तो कभी भी आ सकते कृपा करके, पर हम लोग जैसे कहते हैं मेहमान अतिथि, जो बिना अतिथि के आए अतिथि, जो बिना अतिथि के आए उसे अतिथि बोलते, पहले आते थे अतिथि, अभी कोई अतिथि आ जाए ना वो पहले क्यों नहीं बताया प्रभु जी आप आने वाले थे, अतिथि तो आजकल खत्म ही हो गई, क्योंकि पहले बता देता प्रभु जी आपके लिए पराठे बना देती, मटर पनीर बना देती, शाही पनीर, आप बिना बताए कैसे आ गए। मतलब अतिथि जो होते हैं बिना अतिथि के आते हैं उसी समय सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे क्या है, पहले तो ऐसा होता था, और गुरु जी आ गए एकदम से घर में, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई और आंखों में आंसू, रोने लगी, क्रंदन करने लगी, और गुरु जी के एकदम से उठ के रसोई बनाई। तो गुरु जी ने उनके लिए, मैंने कहा था गुरुदेव मैं सोच रही थी आप आओगे नहीं, मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, गुरु जी बोले नहीं मैंने वचन दिया था। 22 साल के बाद वो आए और उनकी जो वचन को पूर्ण किया, और किसी के घर में जाते थे, एक हमारे ओम प्रकाश ब्रजवासी परम गुरु जी के गुरु भाई, हमारे गुरु जी गुरु भाई हैं, उनको बोलते एक बार नवदीप जरूर आना चाहिए, हमारे गुरु जी बोलते थे, महाराज जी बोलते थे एक बार नवदीप जरूर आना चाहिए। वो किसी ना किसी कारण से ना कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना हमें काम आ गया, बच्चों की पढ़ाई है, छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस की, तो हमारे पास 100 बहाने होते हैं बताने के लिए ना। तो उन्होंने कहा अभी पता है बहाना क्या बनाएंगे, उनको जयपुर में आए महाराज जी पूज्य बावन गुस्सी महाराज जी, और जयपुर में आए उन्होंने बड़ी सेवा की। तो उन्होंने सेवा के करते करते जब वो चले गए तो कुछ बता के नहीं गए, उनको तकिए के नीचे ना 450 रुपये रख के चले गए। वो नवदीप का उस समय किराया बहुत कम था पर वो ज्यादा ही रख के चले गए। फिर उन्होंने वहां से पत्र लिखा, प्रिय ओम प्रकाश ब्रजवासी, ऐसे करके पत्र लिखा, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारा बड़ा ऋणी हूं, मेरी एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है कि तुम नवदीप जरूर आना इस बार गौर पूर्णिमा में, और तुम चिंता मत करना तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत नहीं, जहां मैं सोया था मेरे बिस्तर के नीचे तकिए के नीचे मैंने तुम्हारे ट्रेन का आने का और जाने का किराया रख के आया हूँ, और तुम जरूर आना, पता अब तो आना ही पड़ेगा। कितना बहाना, पता है कैसे कैसे गुरु जी क्या समझ दे कि कैसे कल्याण करता है जीवों का। एक बार हमारे गुरु जी भी थे, किसी भक्त से बोले थे नवदीप परिक्रमा हो रही है और मेरी ना तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तुम्हारे बिना मेरा होगा नहीं। यद्यपि क्या है गुरु जी के इतने सारे सेवक हैं, गुरु जी का किसके बिना नहीं होगा, पर कृपा करके देखे कहते कि किसी तरह से आई। तो ऐसे पूजे बामन गोस्वामी महाराज का इतने सारे उदाहरण है, इतने सारे उदाहरण है, इतने कैसे अपने शिष्यों को प्रीति से प्रेम से सेवा के द्वारा आदेश के द्वारा, और कभी क्रोध भी कर देते, क्रोध का भी अद्भुत तरीका है उनका, क्रोध कभी जीवन में देखा नहीं गया। जैसे हम कहते हैं ना क्रोध करने का भी तरीका है, तो जब किसी को गुस्सा तो क्या करते हम लोग, वो किसी को गुस्सा तो समझ रहे गुरु जी बरानंदर बोलते थे, बरानंदर समझते सुअर का बच्चा, अभी समझेंगे किसी कोई गए सुअर के बच्चे। अब भगवान भी भगवत गीता में गाली देते अल्प मेद साम, कहते जो मेरा भजन नहीं करते वो अल्प मूर्ख है, गधे की तरह है, पर भगवान के अल्प मेद साम, कोई कहेगा अरे इतनी बड़ी डिग्री कहाँ से दिखी अल्प मेद साम, तो समझ जाते थे बरानंदन कि आज गुरु जी हमारे किसी सेवा से कष्ट में, और बड़ा प्रेम से बोलते समझ जाते नहीं। तो उनका तरीका अद्भुत, खंडन करने की शैली मायावादियों के बीच में और अन्य अन्य संप्रदायों के बीच में क्या शैली थी, सब लोग स्वीकार कर लेते थे, बहुत सारे उनके गुण हैं। अब मैं गुरु जी के चरणों में भी एक पुष्पांजलि देना चाहता हूँ, बस एक मिनट के लिए। देखो जिनके जीवन में हरि है वो बहुत सौभाग्यशाली है, जिनके जीवन में हरि और गुरु है वो परम सौभाग्यशाली है, और जिनके जीवन में हरि गुरु और वैष्णव है वो परम परम महासौभाग्यशाली है। क्योंकि क्या है, भगवान रूठ जाते हैं तो गुरुजी रक्षा करते हैं, और यदि भगवान और गुरुजी भी रूठ जाए तो वैष्णव किसी तरह से हेन केन प्रकार बचा लेते हैं। जो केवल भगवान को मानते गुरु को नहीं मानते, कहते जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। तो क्या करना है, पहले जीवन में गुरु होना चाहिए, फिर भगवान होने चाहिए, फिर वैष्णव का संग होना चाहिए, साधु संग होना चाहिए, वो बड़े सौभाग्यशाली है। इसलिए मैंने पहले वैष्णव का अनुगत्य किया, अब गुरुजी के चरणों में पुष्पांजलि दूंगा। गुरुजी के जीवन में जैसे अभी सभी वैष्णव लोग बता रहे थे कैसे कैसे उनका महान जीवन है, मैं भी एक पुष्पांजलि के चरणों में देखूंगा। एक बार मैं किसी भक्त से बहुत गुस्सा हो गया था, नाराज, अभी तो कह रहे वचन की बोलने की जरूरत नहीं है, जो सदगुरु होते हैं ना सिर्फ दृष्टि से ही कहते हैं ना दर्शन पवित्र करो यही तो मार गुणा,
वो क्या करते हैं, दर्शन से पवित्र कर सकते हैं। जो गंगा में स्नान करने से, कपड़ा उतारने के बाद गंगा जी में डुबकी लगाने के जो फल मिलता है, एक दृष्टि कर दे उसी से वो फल मिल जाता है। तो मैं किसी वैष्णव की शिकायत लेने के बाद गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए गया। मैं गुरु जी से आज इनके बारे में बोलूंगा, महाराज जी इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, और बहुत मेरे मन में बड़ा दुख था, कष्ट था। 2009 की बात है, मैं जैसे गुरु जी कमरे में गया तो महाराज जी बड़े बिजी थे, व्यस्त थे, वो भक्तों से बात कर रहे थे। मेरा नंबर आया नहीं बात करने का, 5 मिनट में बैठा रहा, 5 मिनट बैठा मैं, कुछ ज्यादा नहीं। और मेरे हृदय में ऐसे उन जिसकी मैं शिकायत लेके गया था ना, मेरे उनके गुण दिखाई देने लगे। और मैंने शिकायत क्या करता, जितने 5 मिनट महाराज जी मेरे को, गुरु जी जब 5 मिनट हो गए फ्री हुए, कुछ बोले हाँ क्या बात है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। और जब मैं नीचे आया, वो वैष्णव भी नीचे खड़े थे जिनकी मैं शिकायत लेके गया, और मैंने उनके चरणों में क्या किया, प्रणाम करने लगा। और वो भी देख रहे थे अद्भुत, अभी हमारी लड़ाई हुई है और अभी इसको क्या हो गया। तो ये दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग गुना, ऐसे गुरुपाद पद में ऐसे वैष्णव है बिना बोले ही, जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं बाबा जी महाराज के कौन शिष्य हैं, जो इनके इनको इर्द गिर्द घेर के रखते हैं वो इनकी शिष्य नहीं है। बाबा जी महाराज मेरे से बहुत ज्यादा बात नहीं करके सारे उपदेश इन्होंने मेरे हृदय में संचारित कर दिए, हर एक एक इनकी एक एक वाणी मेरे हृदय में गूंज रही है बिना बोले, और जो आसपास बैठे हैं इनके एक शब्द कान में नहीं गया। तो माँ भागवत क्या होते हैं, वो दर्शन से पवित्र कर देते हैं। और वचन तो क्या उनके, क्या महिमा उनकी, अभी लोग हम लोग सुनने थे, अभी मैंने बहुत समय ले लिया। महाराज जी का बड़ा परिश्रम है, महाराज जी सुबह से ही मंगल आरती में, हम लोग तो उठते भी नहीं है, महाराज जी मंगल आरती में हमें उठाया, कीर्तन में कथा में भी, और महाराज जी अब सुबह भी, अभी महाराज जी की हम लोग तो इधर लग जाएंगे, महाराज जी की खोड़ा में भागवत है 2 से लगभग 5 बजे तक, फिर महाराज जी रात को एक प्रोग्राम करते हैं। इतनी सर्दी में इतना परिश्रम करते हैं, महाराज जी के अथाह परिश्रम से मंदिर बना है, इसमें बहुत सारे भक्तों ने सहायता की है। महाराज जी का अभी भी इतनी एज में भी इतना परिश्रम है, इतना कुछ इच्छा है, बच्चों को सिखाना, प्रचार करना, सेंटर बनाना, इतना कुछ इच्छा है। ये भी गुरु परंपरा के गुरुदेव की विशेष कृपा है, हमारे अंदर महाराज जी कृपा करें। अभी महाराज जी का भी जल्दी जल्दी प्रसाद करके हमें खोड़ा भेजना है, हम लोग तो कर देंगे, थोड़ी थोड़ी बोलेंगे भक्त लोग, तो चार बाकी ऋषि थोड़ी सी आ जा, ज्यादा समय नहीं बोलना, सीधा बोल दो। और हमारे शिवा बोलोगे, हाँ 2-2 मिनट बोलना पड़ेगा, आजा आजा फटाफट आ जा, जल्दी जल्दी डायरेक्ट बोलो, वंदना नहीं करना। गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय। देखो अभी इतना समय कष्ट करके आप लोग आए हो, आज बहुत अच्छे प्रसाद की व्यवस्था है, ऐसे माँ भागवत का प्रसाद ही पाओगे ना, बटर पनीर, हाँ प्रसाद पाके जाने सभी लोग, जिनको बहुत जल्दी हम लोग करा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, जो लोग विशेष, परंतु आरती करके पुष्पांजलि देके जाएंगे उनका महा सौभाग्य है। 7-10 मिनट में जाना, गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की, गुरु परंपरा की जय, गुरु वर्गो की जय। आज मैं 2 बात बताऊंगा, बस कोशिश करूंगा 5 मिनट में हो जाए। एक भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जिनकी आज आविर्भाव तिथि है, अपने गुरुदेव की जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है। द्विज प्रभु ने ये बात बताई, जब गुरुदेव सुबह सुबह मंगल आरती से पहले लगभग 3:20 पे द्विज प्रभु से कहा कि नारायण महाराज को बुला के लाओ। एक दिन नवदीप की बात है, जब गौरमंडल परिक्रमा चल रही थी, महाराज जी परिक्रमा में जाने को तैयार हो रहे थे, तिलक लगा रहे थे, तो द्विज प्रभु ने कहा कि गुरुदेव बुला रहे हैं आपको। तो जब वो महाराज जी के रूम में गए तो महाराज जी ने भक्ति विधान श्री वामन गोस्वामी गुरु जी को तुलसी की वो भगवान माला पहनाई गले में, और उनसे कहा कि इस जगत में सबसे पहले त्रिक्रम महाराज जी जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा, उसके बाद आप जाओगे। तो महाराज जी तो देख के एकदम सन्न हो गए, सुबह सुबह गुरु महाराज जी आप सुबह सुबह क्या कह रहे हो, कह रहे नहीं ये महाप्रभु का आदेश हुआ, वो मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए कुछ सेवा छोड़ रखी है। तो इससे पता चलता है ये सब गुरुवर्ग के कितने अंतर्यामी थे, और हुआ भी ऐसे ही, पहले जगत से त्रिक्रम महाराज जी गए, उसके बाद वामन गोस्वामी महाराज, उसके बाद हमारे गुरुदेव। और एक बात
अपने गुरुदेव के विषय में बोल के बस, क्योंकि समय अभी महाराज जी को भागवत में भी जाना है। एक बार जैसे अभी अनिरुद्ध प्रभु कह रहे थे ना प्रेम से कुछ बोल दिया, ऐसी मैंने एक दिन गुरुदेव से बोल दिया भाव में आके, गुरुदेव रूप में बिल्कुल अकेले थे, भजन कुटी नवदीप की बात है। मैंने कहा गुरुदेव मैंने जीवन में गौरमंडल परिक्रमा भी की, सब मंदिरों के दर्शन करे, वृंदावन के गिरिराज जी की परिक्रमा करी, 84 कोस की परिक्रमा करी, जीवन में सब कुछ करा, अगर उस सब के आनंद को मैं एक तराजू पे रख दूं और मात्र आपके दर्शन से जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं टिकता, तो मैंने तो बोल दिया ये। और गुरुदेव ने मेरे को ऐसे चश्मे करके ऐसे देखा, और ऐसे देख के मेरे से गुरुदेव ने कहा मठ में आ जाओ। मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, ये तो मेरे के तो ज्यादा हो गया, अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन ये क्यों हुआ, इसका भी एक कारण है, ऐसे ही नहीं बोल दिया गुरुजी ने, मेरे मन में एक दुष्ट विचार चलता था उसके कारण ये गुरुजी ने बोला, ये मुझे बाद में समझ में आए। फिर गुरुदेव ने थोड़ी देर बाद मेरे से कहा अच्छा शादी हो गई तुम्हारी, विवाह हो गया। मैंने कहा जी गुरुदेव, फिर ठीक है घर पे ही रहो और अपनी पत्नी को बच्चों को गुरु ठाकुर जी के सेवक सेविका समझो, उनकी जो आवश्यकता की चीजें उनके देते रहो, अपना हृदय और मन गुरुदेव को देना है। तो ये बात तो उस समय मैंने बड़ा खुश हो गया कि बच गया मठ में रहने से। तो मैं जब आया बाद में, फिर बाद में मेरे दिमाग में मन में एक बात चलती थी कि मैं सुनता था गुरुदेव भगवान के परिकर है कथाओं में, तो मैं सोच रहा था भगवान के परिकर ही है मेरा दुष्टपन है ना, तो भगवान के परिकर ये तो गुरुदेव भजन में पहले भी तो आ सकते थे, शादी क्यों करी, शादी हुई फिर तीन बच्चे हुए फिर उसके बाद क्यों आए। तो इसी विचार को दूर करने, इसी दुष्टा को दूर करने गुरु जी ने मेरे से कहा कि मठ में आ जाओ। फिर बाद में जाके मेरे बच्चे हुए, फिर मेरा मन वहां चला गया, आसक्ति वहां चली, तो गुरुदेव ने जगत में हमें लीला करके दिखाई कि मैं तो साक्षात छोड़ के आया हूँ, गृहस्थ को छोड़ गया, नहीं तो हम कह सकते इतना आसान नहीं है कहना, वो छोड़ के आए, उन्होंने हमारे लिए सिर्फ सारी लीलाएं की, और हम अभी घर में रह रहे हैं, मन पत्री में, बच्चों में, संसार में है, अभी तक गुरुदेव को अपना मन नहीं दे पाए। इसी के साथ मैं गुरुजी से गुरुजी ने बताया था घर छोड़ करके आ जा, सचमुच चाहिए, अभी अब सोच नहीं सकते, दिन रात सवेर शाम किसी सेवा के लिए जिस दिन भर के बोले नाम मात्र ये घर में रहते, क्योंकि गुरुदेव अंतर जम सब जानते हैं, सचमुच से इनकी पत्नी भी ये भी दिन भर कोई सेवा के लिए हो आकर इनकी पत्नी रोसी बनाना, दिन भर क्या काम हो रहा है सारे गुरुदेव अंतर जमी ना जो बोले थे सचमुच से बात सही निकली है। बस एक बात हो रही है, बट मैं महाराज जी के विषय में जरूर बोलूंगा, क्योंकि जो मैंने गलती की जब गुरु जी हमारे प्रकट थे दर्शनों में समय कहा गुरु जी कथाओं को छोड़ के, तो गलती हम लोग ना करें, इसलिए आपको बताया गुरुदेव महाराज जी कितना भजनशील है और कितने सरल है और कितना प्रेम रखते हैं। एक बार महाराज जी की कथा चल रही थी सेक्टर 34 में 2 साल पहले, मैं महाराज जी के पास गया, मैं महाराज जी मेरे से पूछते जब भी मिलते शुगर ठीक है तुम्हारी, मैंने कहा महाराज जी ठीक है 101 आई है, महाराज जी इतना प्रसन्न हुए जैसे कोई बच्चा कोई भयंकर रोग से ठीक हुआ हो, और गुरु महाराज जी ऐसे हो गए आंखों में भी, और ऐसे सर पे जो हाथ रखा ना मुझे इतना आनंद आया, और महाराज जी का प्रेम देख के वांछा कर बंधु मुझसे कृपा श्री महाराज सेवा में लगाए रखे, बस यही प्रार्थना। जल्दी जल्दी सेवा जल्दी जल्दी आ जाओ, वंदना नहीं डायरेक्ट बोल दो वंदना आते भी देवा कराता है गुरु महाराज की जय। चलो गुरुदेव की, चलो गुरुदेव की, चलो गुरुदेव की, यही यार और कुछ आता नहीं। क्या बोलू मैं, बोल देता आप जो सुनते हो ना जगाई माधाई नाम सुने हो, ये दूसरे जगाई माधाई, आप सोच नहीं सकते, ये खुद कहता है, मैं बोल देता हूँ, ये खुद कहता है अगर मैं भक्ति जगत में नहीं आता तो मैं कभी जिंदा नहीं रह सकता था, कब मर जाता, इसका हाथ में चाकू रहता था और जैसे जगाई माधाई से भी खतरा ये था, दारू पीना मतलब ऐसे कोई काम नहीं जो कि इसने किया नहीं, मतलब ऐसे व्यक्ति इसने था,
लेकिन ये काबर लेकर के ये जाता था शंकर जी को चढ़ाने के लिए, और स्वयं शंकर जी इनको स्वयं बताया, इनका जीवन बदलता हूँ, स्वयं शंकर जी इनको स्वप्न में स्वयं शंकर जी बताए भैया जाकर गुरु जी से दीक्षा मत करना, स्वयं शंकर जी। इसलिए गुरुदेव इनको जब देखे बोले शंकर जी तुमने कुछ बताया था शंकर जी ने, कुछ मांगा था शंकर जी, शंकर जी से कुछ मांगा, बोलो बोलो। अब बोल मैं बोला गुरु जी बोले कि कावड़ लेने गया था भोले बाबा का, मैं तो भोले बाबा को बहुत मानता हूँ, तो बोले तो कितने दिन में आया, मैंने गुरु जी 13-14 दिन में, पैर में छाला पड़ गया होगा, महाराज जी कष्ट होता है, शंकर जी से क्या मांगा, मैंने बोला मैं तो ये बोलता था अगर इस पृथ्वी पे मेरा कोई गुरु है तो मुझे अपने गुरु जी से मिला दो, तो भोले बाबा ने मेरे को प्रेरणा दी जैसे हुआ, तो मैंने बताया गुरु जी भोले बाबा मेरे सपने में आए और ऐसे ऐसे बोला है, गुरु जी का नाम बताया, तो इस्कॉन मंदिर के यहाँ स्टॉप क्लास के इधर एक दुर्गा मंदिर है, महाराज जी ने बता दी थी, हाँ तो हाँ गुरु जी आए, तो मैंने गुरु जी को ऐसे बताया, दर्शन हुए, तो गुरु जी ने उस समय मेरे से पूछा कि तू भोले बाबा से कुछ मांगता था ना, मैंने हाँ मैं तो भोले बाबा से मांगता था, लेकिन मैं तो भोले बाबा से मांगता था मैं ना, तो कह रहे मैं ही तो भोले बाबा, गुरु जी ने बोला गुरु से कुछ मांगा तो मैं हाँ महाराज जी, तो क्या मांगता था, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं भूल एक बार के लिए भूल गया, ध्यान से उतर गया, मैं तो कुछ नहीं मांगा, फिर गुरु जी ने मेरे सर पर हाथ धर के ऐसे आँख मिला के बोला कि तू गुरु को नहीं मांगता था, मेरे को मांगता था ना, मतलब गुरु जी आपको कैसे बता करे, मैं तो भोले बाबा हूँ, तो गुरु जी मेरे को मिले तो मैंने बोला गुरु जी आप, मैं बार बार मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने गुरु जी आपको कैसे पता, कह रहा मैं ही तो भोले बाबा हूँ, बार बार बोले जा रहे गुरु जी, मुझे बिल्कुल हाथ पैर कांप के मेरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गुरु जी ये तो मेरे भोले बाबा हुए, तो गुरु जी ने बोला कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु सब है, अब गुरु मिल गया ना खोसा गुरु की सेवा करो, मैंने बोला गुरु जी कावड़ लेने फिर जाना, कह रहे नहीं गुरु मिल गया हरि भजन करो, कृष्ण भजन में सब कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे प्रार्थना, कहीं देवी देवता की इधर उधर किसी चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण भक्ति राधा जी के गुरु जी के चरणों में रहो, यही सब कुछ मिलेगा आपको, और हमारे महाराज जी हैं परम दयालु, मेरे जैसे मूर्ख मूर्ति बुद्धि वाले में मेरे को इतना प्रेम इतने स्नेह से मेरे को अब तक अपने साथ में रखा, इतना मेरे को वो दिया, जो भी आज खड़ा हूँ मैं महाराज जी वजह से। देखो अभी हमारी सबसे ज्यादा जो प्रचार है ना मेरी है ये गुजर समाज में, ये गुजर समाज में सबसे ज्यादा प्रचार, लेकिन इसका जो मूल यही व्यक्ति, इसके लिए बार ताली बजा, क्योंकि इसने जब हमारी कथा कभी हुई थी गुजर समाज में कभी गड़ी गांव में, लेकिन होने के बाद इसने बहुत प्रयास किया, जहाँ पर लोग बैठ कर गंजा पीते हैं ना शराब पीते हैं, वो सोच रहा था यहाँ पर गलती काम होता है, किसी तरह से अगर हम इसको अपना सेंटर बना दे अच्छा होगा, लेकिन जो गंजा पीने वाले शराब पीने वाले तो बिगड़ गए। एक दिन वहां पर कीर्तन कर रहा था गुरु जी का फोटो ठाकुर को लगा करके आ करके सोच नहीं सकते इसी सर पर इसे डंडा मारे, सर पर इसका फोड़ दिया पूरा, सर पर जैसे जगाई माता है क्या जीवन माता है, सर पर फोड़ दिया इसका पूरा। लेकिन फोड़ने का बात इनका पत्नी तो बड़ी नाराजी हो गई, बोले क्यों ये भक्ति भक्ति प्रचार करने जाते हो और तेरे सर फोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर में इतने सहन शक्ति जैसे नित्यानंद प्रभु का माता है, सर भी फोड़ दिया लेकिन तभी भी उन्होंने कल्याण किया, इसने फिर उस दिन तक तो कथा पता सब बंद हो गई, क्यों नाम दाम रूपा बदनामी, लेकिन जिन्होंने मारा था ना उसका वंश सत्यानाश हो गई, वंश सत्यानाश हो गई उसको, कोई मरा ये बीमारी नहीं। बाद में फिर इसने फिर लेकर के इतने सहन करने पर भी फिर उसने मेरे को लेकर गई, फिर वहां पर भागवत कथा कराई, वो कथा से ऐसे प्रभाव बढ़ा गुजर समाज में हम सोच नहीं सकते। अगर सबसे ज्यादा अगर मेरी प्रचार भी कहीं है ये गुजर समाज में ज्यादा प्रचार है, लेकिन इसका जो मूल है ये यही व्यक्ति मूल है, ये गुरु जी कथा सुनाते थे, इसके घर में कभी इतने दुख कष्ट आए उसके घर में आटा खरीदी करने का भी पैसा नहीं था। एक समय से गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के चरण में गिर गए, बोले गुरुदेव आप रक्षा करो, आटा तक भी खरीदी करने के लिए समय नहीं, बोले पता नहीं उस समय किसी ने, गुरुदेव बोले ठीक है, बोले गुरुदेव कृपा कर, गुरुदेव बोले ठीक है आशीर्वाद देता हूँ, उसी समय लाकर किसने कितना पैसा दिया था पता नहीं, कहाँ से आकर पैसा दिया, मेरी अवस्था इतने खराब हो गई थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से अभी किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन ऐसे दुर्दशा मेरे घर में हो गई थी, इसलिए इसने गुरु जी की बड़ी कृपा को प्राप्त की है। अभी हमारे श्यामानंद प्रभु सब लोग 5-5 मिनट बोल लगे ज्यादा नहीं,
जैसे बच्चे हम सोचते हैं हमारी बाद में यही बच्चे हैं सब कुछ है। पांच पांच मिनट बोल फटाफट से खड़ी होते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आधे लोग तो सो गए आधे लोग को पेट में चूहा दौड़ रहा है। जोर से एक बार हरे कृष्णा दोनों हाथ उठा के हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान ने किनको किनको हाथ दिया सब किसके किसके पास हाथ है उठाना जरा सबके पास हाथ है तो दो दो हाथ है तो जिसके पास मुंह है वो जोर से बोलेंगे जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्री गुरुदेव की। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों में चरणों में प्रणाम करते हुए आज जिनका सुबह आविर्भाव और तिरुभाव तिथि है ऐसे दोनों महापुरुष दोनों परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त बड़े गुरु जी के सब शिष्यगण सब वैष्णवगण उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हमने इन दोनों महापुरुष के बारे में विशेष रूप में श्रवण किया और हमारे गौड़िया जगत में प्रभु त्रय का बड़ा भारी महिमा है। हम लोग प्रत्येक दिन जयध्वनि देते हैं श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम प्रभु प्रत्येक दिन हम लोग इस चीज को जयध्वनि देते हैं। लेकिन हमारे इस गौड़िया वेदांत समिति में भी प्रभु त्रय का बड़ा भारी महिमा है। कहते हैं पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्तिवान बामन गोस्वामी महाराज और पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ये प्रभुत्रय विशेष रूप में जो पूर्व आचार्य प्रभुत्रय की ही भांति कार्य किए इसीलिए इनमें विशेष रूप में जो प्रीति था अभी जैसे हमारे विशाखा दीदी कह करके गई और सारे वैष्णव लोग भी विशेष रूप में इस चीज को गुणगान किए कि विशेष रूप में जो गुरु वैष्णव में जो संबंध है जो विशेष संबंध था इनके जीवन में देखा जाता है कि एक समय भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और भक्तिवेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज यद्यपि बाहर दृष्टिकोण से बाह्य दृष्टिकोण से कभी कभी एक एक टॉपिक को लेकर के युक्ति तर्क करते हैं लेकिन उनका जो भाव है विचार है उनका जो उद्देश्य है केवल महाप्रभु के वाणी को ही विशेष रूप में प्रचार प्रसार करना महाप्रभु की ही वाणी को विशेष रूप में जगत में महाप्रभु का अवदान को देना ही उनका महिमा है उनका वैशिष्ट है। तो एक समय भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी किसी को प्रश्न पूछते हैं सारे भक्तों को प्रश्न पूछते हैं बोले बताओ पूरी धाम श्रेष्ठ है कि नवदीप धाम श्रेष्ठ है बताओ आप लोग बताओ पूरी धाम श्रेष्ठ है कि नवदीप धाम श्रेष्ठ है। कुछ भक्त लोग कहे नवदीप धाम श्रेष्ठ है तो गुरु जी काट करके बोल दिए अरे नवदीप धाम श्रेष्ठ होने पर भी जहाँ पर राधा रानी की उस विरह दशा को जहाँ पर आस्वादन किए बोले कहाँ पर पुरी में 18 साल तक रुके तो पुरी धाम श्रेष्ठ हो गए। बोले कुछ भक्त लोग फिर पुरी धाम को श्रेष्ठ बोलने लगे बोले ऐसे करते करते फिर गुरुदेव ने बड़े सुंदर वहां पर किस प्रकार नवदीप धाम का महिमा नवदीप धाम पुरी धाम से भी श्रेष्ठ है वहां पर तरह तरह कारण को दिखाते हुए कहे कि महाप्रभु के लौकिक सद्बंधु भाव लौकिक सद्बंधु भाव जिस प्रकार नवदीप धाम में प्रकाशित हुआ है यद्यपि पुरी में महाप्रभु 18 साल तक रुके फिर भी महाप्रभु को सब दूर से प्रणाम करते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जो भाव है और श्री रूप गोस्वामी के भाव सनातन गोस्वामी के भाव हरिदास ठाकुर के भाव वो लोग महाप्रभु को यद्यपि ऐश्वर्य दृष्टि में देखते हैं लेकिन नवदीप धाम में कहां सची माता महाप्रभु को डांटते भी हैं कहां कोलाविचा श्रीधर महाप्रभु को केला देने के लिए इनकार भी करते हैं इसलिए लौकिक सद्बंधुवत भाव है। दूसरा उदाहरण गुरुजी देखे कह रहे हैं कि नवदीप धाम इसलिए श्रेष्ठ है कि जो हमको दीक्षा मंत्र मिलता है उसमें जो गौर गायत्री है उनमें जितना भी महाप्रभु का नाम है ये सब गौर लीला जितने भी नाम है ये सारे लीला का नाम नवदीप धाम से महाप्रभु के धाम से ही विशेष रूप में आया है।
तीसरे उदाहरण कह रहे हैं अपराध भंजन क्षेत्र, इस प्रकार तरह तरह के की वैशिष्ट दे करके बोले नवदीप धाम श्रेष्ठ है। बोलो सिले नवदीप धाम की। इसीलिए जब परिक्रमा चले गए अगले दिन फिर देवानंद घोड़े मठ में पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वहीं पर बैठे थे। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वहीं बैठ करके हरिनाम करते थे। कुछ विदेशी भक्त लोग आए, जब विदेशी भक्त लोग आए इतने में उनको पास बुलाए, बोले पास में आओ। जब पास में आए तो उनको बोले कि कल तुम्हारे गुरुदेव ने एक बड़े सुंदर सिद्धांत को स्थापन किया, बोल रहे थे कि नवदीप धाम श्रेष्ठ है कि पूरी धाम श्रेष्ठ है, सुना कि नहीं? बोले हाँ महाराज हमने तो सुना। बोले तुम बताओ नवदीप धाम श्रेष्ठ है कि पूरी धाम श्रेष्ठ है? बोले नवदीप धाम श्रेष्ठ है। अच्छा एक बात, स्थान से और अधिक महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जथा साधु संग तथा तीर्थ, जहाँ पर साधु संग होता है वैष्णव की गुणगान किया जाता है वही स्थान ही 13 तारीख को अरे भैया प्रसाद की व्यवस्था है तो थोड़ा तो उपक्रम करो जोर से, हरे सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात आज हमारे दोनों महापुरुष परम गुरुदेव की एक की आविर्भाव एक की तिरोभाव तिथि है। ऐसे अस्मद उपनिरंतर स्नेह रस निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित मात्रेण प्रवर्षण कराह, जो निरंतर सभी वैष्णवों को आनंद देने वाले ऐसे दोनों सद्गुरु के चरणों में बार बार अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। आप सभी वैष्णव वैष्णवियों आप सभी को मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम लोग दोनों के दोनों महापुरुषों की तिथि को यहाँ मैं गुरुदेव हमसे पालन करवाने के लिए आए हैं। देखिए एक बार मैं श्रील महाराज जी की भक्ति वेदांत श्रील नारायण महाराज जी की वीडियो देख रहा था, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तब मैंने देखा कितने हमारे गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव के गुरु भाई बैठे हैं, इतने लोग इतनी भीड़ बैठी है। तब मैं सोचा भैया हो नेता भी भीड़, जो अपवित्र नेता है वो भी भीड़ जुटाता है, पर वो भीड़ भेड़ियों की जुटाता है, पर हमारे बड़े गुरुदेव ने भीड़ सिंहों की जुटाई है। इसलिए हमारे गुरुदेव भी सिंह है। और एक और बात देखो, हमारा एक और बात देखो भैया, ललिता सखी उपासना जो सिंहिनी को छीर, जो सिंहिनी को छीर करे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो राधा दास्यम है ना, ये शेरनी का दूध है, और जो शेरनी का दूध है वो दो ही चीजों में टिक सकता है, क्या तो शेरनी के बच्चे के पेट में ही डटेगा, क्या फिर सोने के पात्र में ही डटेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव देखो हमें शेरनी के बच्चे बना करके और ये ऐसे ऐसे दिव्य दूध को पान करा रहे हैं। हम सबसे, मैं तो गुरुदेव के साथ ही गुरु महाराज जी की कृपा से इनके संग ही रहता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि मुझे पहले मैं सोचता था सबसे मुश्किल है नौकरी पाना, पर अब मैं सच्ची कह रहा हूं सबसे मुश्किल है प्रचार करना। हमारे गुरु महाराज, मैं महाराज जी की सेवा में इनकी कृपा से रहता हूं, मैं कहता हूं गुरु महाराज को, महाराज थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, यहाँ पे हाउस प्रोग्राम वहां हाउस प्रोग्राम, तो मैं कहता हूँ गुरुदेव थोड़ा आराम कर लो, पर हमारे गुरुदेव कहते चैतन्य सही आराम तो तब मिलेगा जब श्री जी की गोदी प्राप्त होगी। इसीलिए उठ करके चल देते हैं बिल्कुल। तब मैं ये समझ आता हूँ कि भैया इन दोनों ने जो भीड़ है ना वो भेड़ियों की नहीं सिंहों की भीड़ जुटाई है, इसीलिए हमारे गुरुदेव सिंह हैं। और इनके विषय में तैयारी तो इतना फर्रा करके लेके आया था गुरुदेव ने, जो जो पढ़ाया खूब तैयारी, पर इनकी इनका आदेश है कि केवल इतना ही बोलना था, इसीलिए समासक व्यास शैली से जो इन्होंने बताया वो आपको बोले सी इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कल पत्र पतिता नाम पावन हरे कृष्णा। सभी लोग बोलेंगे एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय।
देखो अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी कथाएं श्रवण की और हमारी गुरुदेव ने एक बात बोली थी इतनी सारी कथा करने के बाद कि हमने ऐसे महापुरुषों के दर्शन करें। तो जब मैं नया नया आया था ना, मैंने देखा बहुत सारे नए लोग बैठे हैं, तो मैं भी ये सोचता था कि अरे इन लोगों ने तो दर्शन किए हैं, इन लोगों का तो कल्याण हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा है। आप लोगों के मन में विचार आ रहे हैं ना, इतनी सुंदर इतनी हमने इतनी महिमा सुनी अपने परम गुरुदेव की कि हमें लगता है कि हमने दर्शन नहीं किया तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। लेकिन जो हमारे जो वृंदावन दास ठाकुर जी एक बात कहते हैं कि वैष्णव और गुणगान करी रहे जीवे रे त्राण, कि अगर वैष्णव का गुणगान कर लिया ना तो उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसने वैष्णव का गुणगान कर लिया, वैष्णव के गुणगान में सहायता की, उनका श्रवण भी किया, उनका भी निश्चित कल्याण होगा, तो इसमें आप लोगों का भी कल्याण होगा। तो क्या इसका प्रमाण है? कहते हैं हाँ इसका प्रमाण है। कहते भगवान के अगर गुणगान करोगे तो क्या कल्याण होता है? होगा नहीं होगा? गारंटी है? नहीं है, नहीं है। अरे प्रभु जी आप कैसी बात कर रहे हो कि भगवान का गुणगान करोगे और कल्याण होगा नहीं होगा कोई गारंटी? कहते नहीं। कैसे का प्रमाण है? कहते हाँ देखो रामायण सबने देखी है ना, तो रामायण के अंदर भगवान श्री राम जी की सेवा में एक वानर थे, उनका नाम था द्विविध वानर। क्या नाम था? द्विविध वानर। वो भगवान श्री राम की बड़ी सेवा क्या करते थे? अभी देखो जब माला करते है ना, हमारा क्या महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी एक भावना क्या होती है इसमें कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें क्या करो अपनी सेवा में नियुक्त करो। तो द्विविध वानर कौन था? वो साक्षात भगवान श्री राम की सेवा में नियुक्त था, भगवान श्री राम की सेवा में सहायता की, उनको सीता मैया को मिलाने में सहायता की, इतनी सेवा की। सेवा करने के बाद इतनी सेवा की उन्होंने, है ना, साक्षात भगवान की सेवा प्राप्त है। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती करी? वो प्रभु श्री राम को तो बड़ा मानते थे, हे प्रभु राम प्रभु श्री राम, लेकिन जैसे लक्ष्मण को देखते थे मुंह फेर लेते थे, बड़ी ईर्ष्या करते थे, बड़ा द्वेष करते थे। देखो सोचो, साक्षात प्रभु श्री राम की सेवा में नियुक्त है, हमारा कभी ऐसा सौभाग्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? विश्वास ही नहीं, पहली बोल रहे नहीं होगा। तो उनका देखो इतना सौभाग्य है, प्रभु श्री राम की डायरेक्ट सेवा में और क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, नित्यानंद जो लक्ष्मण जी है उनके प्रति कैसी बुद्धि हो गई? ईर्ष्या, द्वेष हो गया। और वो कौन है? साक्षात गुरु तत्व। इसके कारण हुआ क्या? उनका पतन हो गया। कैसे पतन हुआ? उनका ऐसे लोगों से संग हुआ, ऐसे लोगों के साथ संग हुआ कि फिर क्या हुआ, उनको एक समय नित्यानंद प्रभु जी तो सॉरी बलदेव प्रभु जी ने क्या किया, द्वारका में वो अपने स्थान में थे, तो वही द्विविध वानर आया और क्या करने लगा, बलराम प्रभु जी के सामने कुछ उटपटांग हरकत करने लगा, और बलराम प्रभु ने क्या पकड़ा अपना हल और पकड़ के खींचा और एक घूसा मारा और वहीं पे मर गया। अब एक बात बताओ, जिसने भगवान की सेवा की हो, है ना, साक्षात सेवा की, उसकी ऐसी दुर्गति हो गई? दुई नहीं हुई। तो क्या भगवान की गुणगान करने में, सेवा करने में कोई गारंटी है कि सदगति होगी? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वैष्णव की अगर गुरुवर्गों की सेवा करोगे ना, उनके अनुगत्य में रहोगे, तो गारंटी है, निश्चित गारंटी के कल्याण अवश्य होगा। लेकिन इसका भी प्रमाण है कोई? कहते हैं इसका ही प्रमाण है। कहाँ है? रामायण में कहाँ आता है? तो इसमें एक और प्रमाण है। एक बार एक ययाति महाराज जी जा रहे थे एक सभा में, जब सभा में जा रहे थे तो उनको नारद जी ने रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो? कह रहे सभा में जा रहा हूँ। कह रहे सभा में तो जा रहे हो लेकिन तो सबको तो प्रणाम करते हो, लेकिन जो राम जी के जो गुरु विश्वामित्र जी है ना, तुम उनको प्रणाम मत करना। कह रहे क्यों? कह रहे वो भी तो क्षत्रिय है, तुम भी क्षत्रिय हो, तुम उनको प्रणाम करके क्या होगा, तुम राजा हो, उनको प्रणाम करोगे तुम? उन्होंने कहा क्या तो सही रहे, और वो गए और वहां उन्होंने सबको प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, और बड़े क्रोध में आ गए। क्या करा इन्होंने? मेरे को ही प्रणाम नहीं किया। उन्होंने बुलाया श्री राम जी को, बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मैं तुम चाहता हूँ कि तुम एक कार्य करो। बोला क्या? कि तुम पहले वचन दो। प्रभु ने बोला कि प्रभु आप गुरुदेव हो, आपने जो मांगोगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। कह रहे एक राजा है, ये याति राजा, क्या करो उसका वध कर दो। तो उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, प्रभु श्री राम चले गए। लेकिन जैसे ये बात उनको पता चली, वो तो नारद जी को ढूंढने लगे। क्यों ढूंढने लगे? क्योंकि नारद जी ने ही बोला था कि उनको मत मार, उनको प्रणाम मत करना। अब ढूंढ रहे, पहले तो नारद जी को बिना ढूंढे मिल गए, लेकिन अब ढूंढ रहे तो ढूंढने भी नारद जी नहीं मिल रहे। बड़े कष्ट से जब नारद जी मिले उनको, तो नारद जी से उन्होंने बोला कि आपने क्या काम करवा दिया है, आपके कारण क्या हुआ, मेरी तो जान पे पड़ाई। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम एक काम करो, माता अंजना के पास जाओ जो हनुमान जी की मैया है, और उनसे जाके ऐसे ऐसे प्रार्थना करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो वहां गए और अंजना माता से प्रार्थना की कि आप क्या करो,
मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे एक राजा पड़ा है और मुझे मारना चाहता है। तो अंजना माता ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा बड़ा वीर हनुमान, वो बड़ा वीर है, तुम्हारी रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा पहले क्या करो, वचन करो, संकल्प करो। तो मैया जो अंजना थी उन्होंने संकल्प किया कि ठीक है मैं संकल्प करती हूँ कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मेरा बेटा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब तक हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी जब आए तो जो मैया ने बुलाया कि देखो हनुमान मैं चाहती हूँ तुम्हें काम करना है। हनुमान जी ने पूछा बताओ क्या काम है। कहती देखो हमारे पास एक व्यक्ति आया है और वो चाहता है, उसको कोई मारना चाहता है, तो मैंने उससे वचन ले लिया है और तुम भी मुझसे वचन लो कि तुम क्या करोगे, उनके प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा अरे ऐसी कोई बात होगी, मैं हूँ, बताओ कौन किससे रक्षा करनी है। तो उन्होंने बोला ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कह रहे पूछो उससे, जब बुलाई जाती महाराज को कि बताओ तुम्हें किससे रक्षा करनी है, तो कह रहे राम से। कह रहे पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले बताता तुम वचन ही नहीं देते। तो अब हनुमान जी बड़े उसमें पड़ गए, दुविधा में पड़ गए, अब क्या करूं। अब लेकिन वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा, मैया ने वचन दिया है। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला एक काम करो तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ और मेरे पीछे रहना, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना। उधर प्रभु श्री राम जी अपने बाणों को साथ लेके पहुंच गए। अब सोचो भगवान जिसको मारना चाहे कोई बच सकता है, नहीं बच सकता ना। हाँ लेकिन देखो वहां तो स्थिति ऐसी थी कि भगवान की सेवा में थे लेकिन मारा गया, लेकिन यहाँ भगवान साक्षात मारने आ गए। लेकिन जब मारने आए तो आगे कौन खड़े, हनुमान जी खड़े। हनुमान जी कौन है, उनके प्रिय भक्त। लेकिन जब प्रिय भक्त सामने खड़े तो हनुमान जी ने राम जी वापस चले गए, वापस चले गए। जब वापस गए तो जो गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ, कह रहे आज तो मैं कुछ नहीं कर पाया लेकिन कल अवश्य मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन अगले दिन दोबारा राम जी ने कहा नहीं आज कल तो मेरा नाम ले रहा था है ना और मेरे भक्त को सामने करके खड़ा था, लेकिन आज मैं क्या करूंगा अपने शक्तिमान चलाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने अगले दिन क्या पाठ पढ़ा दिया, देखो वैष्णव है ना कि तुम आज क्या बोलो, तो कल तो राम बोल रहे थे लेकिन आज क्या बोलना, सीताराम सीताराम सीताराम, शक्ति और राम। और अगले दिन राम जी गए तो देख के हैरान कि भैया ये तो क्या है, मेरे से भी दो कदम आगे है। तो भगवान राम बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करे। जब ये बात नारद जी तक पहुंची, अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आता है, जब नारद जी तक ये बात पहुंची फिर नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि नारद जी कुछ करो। फिर नारद जी गए उनके गुरुदेव के पास और गुरुदेव के पास जाके सारी बात बताई कि आप क्या करो, ये हनुमान जी है ना वो कौन है, भक्त प्रभु श्री राम के भक्त है। और राम जी कह रहे कि अगर मैंने अपने भक्त पे प्रहार किया, मैंने भक्त की जो इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया तो मेरी भक्ति कौन करेगा, मैं अपने से ज्यादा किसको मानता हूँ, अपने भक्तों को मानता हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा उन पे प्रहार नहीं कर सकता। इसलिए भी नारद जी ने जब उनको बातें बताई विश्वामित्र जी को, तो उन्होंने कहा ठीक है तो तुम्हें उनका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखो दो प्रमाण मिले, किस प्रकार अगर आप डायरेक्ट भगवान की पूजा करोगे सोचोगे भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिलने वाले नहीं है, कृपा भी मिलने वाली नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वैष्णव के अनुगत्य में रहोगे, वैष्णव के अनुगत्य में भजन करोगे तो गारंटी है। इसका एक और प्रमाण आता है, हमारे जो हमारे जो महाप्रभु जी थे जो राज संकीर्तन किया करते थे, तो जब वो करते थे कीर्तन करते थे तो उस कीर्तन के अंदर हुआ क्या कि एक दिन एक माता जी आ गई कीर्तन में और वो महाप्रभु जी को बात पता चल गई, तो उन्होंने कहा आज हमें आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में। वो डायरेक्ट घुस गई और महाप्रभु जी ने बोला आज आनंद नहीं आ रहा, तो जब ढूंढा तो पता चला जो श्रीवास थे श्रीवास ठाकुर उनकी सांस थी, तो उन्होंने क्या किया उसकी चोटी पकड़ के जो बाहर फेंक के आए कि बाहर निकल तू यहाँ कैसे आ गई। उसने क्या किया डायरेक्ट प्रयास किया अंदर जाने का। लेकिन एक बार हुआ क्या, एक भक्त दोबारा आ गए, महाप्रभु जी को दोबारा पता चल गया कि आज कोई बाहर का अनाधिकारी व्यक्ति दोबारा प्रवेश कर गया है। तो जो श्रीवास थे उन्होंने बोला महाप्रभु एक व्यक्ति है उसको मैं लाया हूं, वो क्या है बहुत अच्छा भक्त है, वो क्या करता है दूध पी पी के हमेशा उसने आजीवन क्या किया है दूध ही पिया है और वो क्या करता है बड़ा अच्छा भक्त है। लेकिन महाप्रभु जी जानते हैं शिक्षा भी थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कोई दूध पीता रहे तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, जो निर्जला रखे वो भक्त हो गया। लेकिन महाप्रभु जी ने तब पर भी उस पर कृपा की, क्यों कृपा की, वो किसका अनुगत्य में आया श्रीवास ठाकुर के अनुगत्य में, भक्तों के अनुगत्य में आया इसलिए क्या करे उस पर कृपा करी। इसी प्रकार हमारे भक्तों ने नारायण गोसाई महाराज जी का एक शिष्य था, वो मठ छोड़ के चला गया और गिरिराज गोवर्धन में जाके भजन साधन करने लगा। एक बार हमारे परम गुरुदेव मिले उनसे और पूछा उनसे कि तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, कह रहा हाँ महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है, रोज परिक्रमा करता हूँ तीन तीन चार चार बड़ा आनंद में चल रहा है। तो हमारे परम गुरुदेव ने एक बात बोली, क्या गिरिराज जी तुमसे बात करते हैं, क्या तुम्हें मंगल आरती में उठाते हैं, क्या तुम्हें कथा श्रवण कराते हैं, क्या तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम्हारी गलतियां बताते हैं। तो उसका व्यक्ति का मुख
नीचे हो गया। इसी प्रकार अगर हम सोचेंगे कि हम डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, डायरेक्ट ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे, जैसे वो हमारे जीत प्रभु जी बता रहे थे ना कि अभी क्या है द्वार पे गुरुदेव खड़े, जब तक हम गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करेंगे, वैष्णव से प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके अनुगत्य में भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा अंदर प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, इसी बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। हरे की जय। अभी आप लोगों को धन्यवाद है, ठाकुर जी आप सबको ऊपर में कृपा करे, सबको ऊपर में आशीर्वाद करे। आप लोगों ने गुरु जी की जन्म तिथि और तिरुभाव तिथि दोनों तिथि में आप लोग आए हो। महाप्रभु स्वयं कहते हैं जब हरिदास ठाकुर का शरीर निर्जान तिथि में, तो जो लोग ये तिथि में आए यहाँ तक भी जो केवल प्रसाद पाए, जो हरि कथा सुने, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, अच्छी रात में जल्दी से जल्दी उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, महाप्रभु का वरदान है। इसलिए आप लोग वैष्णव का तिथि में आए, दोनों वैष्णव साक्षात प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं मेरे तिथि में कौन कौन आए, इसलिए जरूर ये दोनों महापुरुष आप लोगों को आशीर्वाद देंगे और आपको भक्ति देंगे, अपना चरण की सेवा देंगे। अभी हम लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे और हमारे एक ब्रह्मचारी खड़े हो जाते, कपड़ा लाए हो, कहाँ है कपड़ा, कहाँ है कपड़ा? आज ये ब्रह्मचारी ये लाल कपड़ा लेकर के भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। आप ये बच्चे को सबके सब आशीर्वाद देना, जैसे ये सारा जीवन भगवान की भक्ति कर सके, आप लोग सबके सब आशीर्वाद देना। आप ले, हाँ आप लोग सब आरती रेडी है? आरती कहाँ है? आरती कौन करेगा? हाँ आरती जलाओ, हाँ सबके सब खड़े हो जाओ, अभी ठाकुर जी की गुरुदेव की आरती होगी, उसके बाद में सबके सब प्रसाद पाकर जाओ।